ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, जो अभी पिछले कुछ टॉपिक्स मैंने कवर किए, पहले उन पे बेस क्वेश्चंस जो अभी रिसेंट एग्जामिनेशंस में आए हैं या जब भी आए हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, पहले इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के पोर्शंस उठाएंगे, फिर हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड टॉपिक्स जो हम लोगों ने ओशनोग्राफी के टॉपिक कम्प्लीट किए उनसे करेंगे, फिर उसके बाद में ग्राउंड वाटर का जो थ्योरी का पोर्शन उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए, क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं। अच्छा, रिसेंट क्वेश्चंस जो आपके एमसीक्यू बुक में है वो मैंने शामिल कर लिए हैं। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल डिफ इंटीरियर ऑफ आर सब बेस क्वेश्चंस रहेंगे। आई होप आप लोगों ने रिवीजन किया हुआ है। ठीक है, चलिए करिए, सॉल्व करिए इसको। गुड इवनिंग अनुष्का, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए शुरू हो जाइए, आज क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा। पहले तो इंटीरियर ऑफ अर्थ पर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे, उनको सॉल्व करिए। In the layered structure of the earth, mantle is mostly made up of करो भाई जवाब दो। और लोग भी जवाब दीजिए, ये सब कुछ आपकी बुक में है अगर आपने पढ़ा है। ठीक है, आप सभी के आंसर सही हैं। ओके बेटा, चलो अनुष्का को आ जाने दो, तब तक आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ध्यान से पढ़िएगा। अनुष्का अभी सही हुआ? चलो ठीक है, चलो इस सवाल का जवाब दो। द रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर विद डेप्थ इन द अर्थ ऑल्सो नोन एज जियोथर्मल ग्रेडियंट इज इन द रेंज ऑफ। ठीक है, ढेर सारी टेबल्स भी हैं, आई होप आप लोगों ने याद करी हैं। चलिए इसको करिए, सब डायग्राम की प्रैक्टिस करके कौन सा कहाँ पे है, ध्यान से करिएगा।
कुछ छोटे छोटे से टॉपिक है जो मैं पहले नहीं पढ़ाता था, लेकिन इस बार मैं आपको कवर कर दूंगा। मैं देख रहा हूँ उन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाइक फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है तो उसमें दिया हुआ है, ठीक है? तो मैं देखूंगा, मैं अगले क्लास में थोड़ा सा वो सब चीज़ें भी आपको बता दूंगा, और आइसोस्टेसी भी। और लोग भी जवाब तो भाई, अनुष्का ने पहले, अच्छा उस वाले का सी दिया था, इसका ए दिया है। हाँ ठीक है, और लोग भी जवाब दीजिए। साबिजा आप भी जवाब दो बेटा, पर बीच में क्लासेस मिस हो रहे थे ना क्या? एग्जाम एग्जाम चल रहे थे क्या? श्रेया ठीक है बेटा, ठीक है। मैंने आप एलिमिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा सबसे कम होगा वो आपको पता है। कॉपर नीड टू बी इन मिनिमम अमाउंट, है ना? तो ए और सी में से बचेंगे, बी और डी ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकते, है ना? फिर लॉजिक अप्लाई करिए, है ना? देखिए ऑप्शन बी और सी तो हो नहीं सकते, मैग्नीशियम मिनिमम अमाउंट क्या पूछा है? करेक्ट ऑर्डर, तो सबसे मिनिमम मैग्नीशियम ये तो नहीं हो सकता, है ना? आपने अभी इंटीरियर ऑफ अर्थ क्रस्ट में देखा है, ठीक है? तो लॉजिक अप्लाई करिए, समझ में आ जाएगा आंसर क्या होगा। ठीक है, और लोग भी जवाब दीजिए। स्तुति, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में याद किए हैं? अच्छा आपके बुक में एक टेबल दी हुई ना, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, है ना? एक टेबल देखिए, पेज नंबर 284 पे एक टेबल दी हुई है एलिमेंट्स के लिए, सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है। सब कुछ आइडिया लगता है आपको कि एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा अबंडेंट है? देखिए तीन अगर मोस्ट अबंडेंट, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, ये शुरू के। अब वो टेबल याद करिए कि नहीं करिए बच्चों? अभी नहीं करिए श्रुति, प्लीज़ उस टेबल को सब लोग याद कर लेना ना, उसको याद कर लो। टेबल्स जितनी भी दी गई ना, सब देखिए बुक में सब कुछ बहुत सेलेक्टिव दिया गया है। अच्छा, स्तुति समझ गए समझ गए। इस समय बुक आउट ऑफ स्टॉक है, और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते मुझे कितनी कॉल्स एंड मैसेजेस आते हैं, जिसमें कुछ बच्चे इवन नाराज हो जाते हैं, सर एग्जाम दिसंबर में आप कब बुक कंप्लीट करके देंगे, नई बुक कब मिलेगी? मतलब बहुत मुश्किल है इस समय मेरे लिए। इसको करिए,
हाँ वही, थोड़ा सा इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है। थ्योरी तो मेरे पास खत्म हो गया, एमसीक्यू मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत स्टॉक होगा, थ्योरी तो पूरी खत्म, एग्जॉस्टेड है। ठीक है, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। ध्यान से, कोर की बात कर रहा है, अब किसी ध्यान देना, स्तुति क्या पूछ रहा है। मैंने टेम्परेचर ग्रेडियंट जो था वो कहीं तेजी से टेम्परेचर डिक्लाइन कर रहा था इन केस ऑफ अर्थ क्रस्ट, है ना। अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा टेम्परेचर होता था, उसकी वजह क्या थी, प्रेजेंस ऑफ। सौरभ ने आंसर सही दिया है। अनुष्का बिल्कुल शांत है लड़की, याद नहीं किया लगता ना। इसको करो, शाबाश। बिल्कुल सही। ध्यान से, हाँ सौरभ ठीक था बेटा, इस वाले को करो। वो टेबल जो भी मैं बोल रहा था, वो टेबल याद होगी तो बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट, ध्यान से। स्टेटमेंट देखो, ऐसे स्टेटमेंट आपको पता चल रहा है बिल्कुल गलत दिया हुआ है ना। एस वेव ट्रेवल फास्टर देन पी वेव, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सी हटा दो, सी जिन भी ऑप्शंस में वो करेक्ट आंसर्स नहीं हो सकते, यू आर लेफ्ट विद ए ओनली, है ना। ये स्मार्टनेस भी एग्जाम में ध्यान रखिएगा। जल्दी से, शाबाश।
झरना क्या आंसर होगा इसका? फोकस और ईपी सेंटर ने डायग्राम बना के बताया था ना, सबसे ज्यादा डैमेज भी इसी जगह पे होता ना। अर्थक्वेक एपी सेंटर इज यूजुअली इन द लोअर पार्ट ऑफ द मेंटल विस्तुति। बेटा जहां पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता उसको बोलते हैं फोकस, ठीक है। जैसे ये मान लिया अर्थ क्रस्ट है और भीतर कहीं पे भी किसी भी डेप्थ पे हो रहा है, तो जिस डेप्थ पे जहां पे भी हो रहा है, जरूरी नहीं वो मेंटल में होगा, जो आपने लिखा ना यूजुअली इन द लोअर पार्ट ऑफ द मेंटल, ऐसा नहीं है, ठीक है। जहां पे भी हो रहा है, जिस जगह पे आपने देखा शेलो फोकाई, मीडियम फोकाई, अर्थ डीप फोकाई, हर तरह का, जहां पे भी होगा, जो पॉइंट जहां पे अर्थक्वेक जनरेट होता उसको तो हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। उस पॉइंट के डायरेक्टली एवब अर्थ सरफेस पे जो पॉइंट होता है डायरेक्टली एवब अर्थ, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। अच्छा स्थिति, आपने शायद क्लास मिस किया उस दिन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अच्छा बेटा, क्लास मिस हो तो रिकॉर्डिंग्स वॉच करो भाई। चलिए नेक्स्ट करिए, ये सब भी मैंने सिखाया था ना। दूसरा मेजर अर्थक्वेक या वॉल्केनिक रीजन कौन सा था? पहला तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर था, दूसरा कौन सा था कोई बताना चाहेगा? दूसरी जगह कौन सी थी, नाम लिख के बताओ। बिल्कुल सही शेया, शाबाश। सब याद रखो भाई, ये सब चीजें कराई गई हैं आपको। अब नेक्स्ट आपका चैलेंज, चलिए फिर इसके लिए याद करिए आपने। अब देखिए किस तरह से क्वेश्चन आया था, अगर आपको स्केल याद नहीं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। जिन लोगों को याद नहीं वो थ्योरी की बुक ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट द राइट वे। ठीक है, अच्छा प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा आपको दिया है, देखिए एक इस तरह से भी आया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये देखिए आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, पेज नंबर 293 पे आपकी बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 293 पे दिया हुआ है, ठीक है। नहीं याद किया तो प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। देखिए सब इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन जो है आप वहाँ थिंक करके सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपके वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में है ना, बिल्कुल मेमोराइज कर रखे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, छूट जाएगा ऐसा क्वेश्चन। बिल्कुल याद करिए सब कुछ। तो इजी सा है, जल्दी से। यस, और वो जल्दी दी। कोई टिप नहीं फरत, कोई टिप नहीं, इवन मैग्नीट्यूड वाला, मूवमेंट मैग्नीट्यूड वाला उसको भी ध्यान रखना फरत।
ये सब चीजें रट्टे मारने की है बच्चे। हाँ सौरभ, बट यू हैव टू स्ट्रगल इट आउट ना। अभी चिंता नहीं करो, एग्जाम जितना नजदीक आएगा ना, देखना सब अवलोकन में सब याद हो जाएगा। जितनी फालतू की चीजें जो अभी याद नहीं हो रही ना, एज यू क्लोज टू द डेट, आप देखना सब याद हो जाएगा। बस कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग। ठीक है। अच्छा आप लोगों ने जो और स्केल्स थी, सिम्पसन सैफायर स्केल, वो सब याद करी हैं अभी? क्यों भाई, और भी ढेर सारी स्केल्स हैं, अगर नहीं करी तो उनको प्लीज याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ उसका डी आंसर सही है। ये तो हम लोगों ने उस दिन भी किया था। हाँ थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा होगा, लेकिन करते रहो, कोशिश करते रहो। क्वेश्चंस आए हुए हैं, इस वाले को करो तो बहुत इजी सा है। अनुष्का तुमने बी आंसर किसका, इस वाले का दिया? प्राची ने सी और सौरभ ने बी। यार अनुष्का ऐसे कैसे कर सकते हो? मिड ओशनिक रिजेस कहाँ पे थी, जहां पे लावा निकल रहा था? लावा कहाँ पे निकल रहा था? जहां पे प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही थी, याद करो, है ना? तो ये आंसर होगा ना बेटा, स्लाइड प्लस उनको ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज कहा था हम लोगों ने, जहां पे एक दूसरे से दूर जा रही थी उनको डाइवर्जेंट और कॉन्स्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, कॉन्स्ट्रक्टिव क्योंकि न्यू ओशन प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा था, और जहां पे प्लेट्स एक दूसरे की ओर मूव कर रही थी उनको हम लोगों ने कॉन्स्ट्रक्टिव और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डिस्ट्रक्टिव और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज बोला था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करिए अभी, ठीक है ना? सौरभ तुमने भी गलत दिया था आंसर। डी वाला ट्रेंच का होगा ओशनिक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओशनिक प्लेट सिंक बीनीथ द कॉन्टिनेंटल प्लेट। या ठीक है, ध्यान से। ये सॉइल का पोर्शन मैम ने कवर कर ही दिया है, रॉक्स और बची हैं, यूनिट फोर आल की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। ग्राउंड वाटर, रॉक्स एंड मिनरल्स। फिर मैं एनर्जी स्टार्ट करूंगा, मैम का पोल्यूशन चल ही रहा है, एयर पोल्यूशन मैं पढ़ाऊंगा आपको। प्राची ध्यान से देखो, पैल्यू मैग्नेटिज्म कहां पे होगा? पीडोजेनेसिस।
आंसर्स गड़बड़ गए, प्लीज़ जरा सबको ऑप्शंस को मिलाओ सही से। पिटोजेनेसिस के लिए क्या सही ऑप्शन लग रहा है? तो फिर उस हिसाब से है ना सही करिए जिन लोगों ने गड़बड़ किया था, सी हो जाएगा ना करेक्ट आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने आपको बताया था उराल माउंटेन का एग्जाम्पल दिया था, रशियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट आके आपस में जुड़ गई बिकॉज ऑफ मैंने बताया था, अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी। सूचर जोन्स बिल्कुल सही। शाबाश वेरी गुड। रॉक से मिनरल अलग से पढ़ाऊंगा, फिर भी इसको कर लो, ये तो सिंपल सा है। ठीक है, फिर टेक्टोनिक्स में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड्स में आ जाएगा। इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड्स में उसमें है क्वेश्चन, टेक्टोनिक्स में कुछ खास नहीं। चलिए इसको करिए, ध्यान से करिएगा। अच्छा इजी सा क्वेश्चन, अभी रिसेंट एग्जाम्स में आया सितंबर 22 में। फरहत क्या कर रहे हो यार, ध्यान से देखो। ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन ना गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा कैरिड अवे हो जाते हो। ठीक है वॉल्केन इरप्शन विल बी वायलेंट इफ, दिमाग लगाइएगा। विस्कोसिटी कब ज्यादा थी? हा सौरभ, लो सिलिका पे विस्कोसिटी कम थी कि ज्यादा थी? सर गड़बड़ कर रहे हो यार। इसका बी आंसर होगा। अच्छा हाई सिलिका एंड हाई वोलेटाइल्स, सिलिका ज्यादा होगा तो क्या कहते हैं लॉग इन लॉग आउट करो। अच्छा इंटरनेट स्पीड ही गवर करती है जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है बेटा। अच्छा कि बाकी सबको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो पाएगा आपका, ध्यान से पढ़िए। वॉल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स आपके यहाँ दी गई आपकी बुक में?
अब जस्ट इमेजिन करिए किस लेवल पे क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। अच्छा, अपनी चाहे तो बुक ओपन कर लीजिए। हाँ पेज नंबर 298 पे दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, ये कि दोबारा रिपीट हुआ नहीं है, बट थोड़ा सा एक बार उस टेबल को ध्यान से है ना याद करने की कोशिश करिए। याद रहा तो ठीक है, नहीं छूट जाएगा क्वेश्चन। ऐसा तुक्का मारी के नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं अपने यहाँ। देखना, हाँ देखिए किस तरह से क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं। ये अभी मैं आंसर नहीं आता, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, बस क्वेश्चन देख के समझिए किस तरह के क्वेश्चन भी डिजाइन हुए हैं। ठीक है, अगर कोई चीज दी गई है। हाँ, बिल्कुल, देखो फरहत जो आइडिया दे रही है, सब लोग ध्यान दो जरा। अच्छा, किलोमीटर से जो दिया है, जो स्पीड वाला, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं। वो अपना भी आप ढूंढिएगा थोड़ा सा। चलिए इसको करिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ध्यान से, जाइंट वॉल्केनिक क्रेटर आर नोन एज। खैलडेरा ना, अब अगला क्वेश्चन फिर देखिए, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब वो चीज़ जो अभी मैं सैफायर सिम्पसन स्केल की बात कर रहा था। अब देखिए उस पर कैसे क्वेश्चन डिजाइन किया इन लोगों ने। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप क्या हैं, सिर्फ इसलिए कि इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व होंगे। कोशिश करिए, याद हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका आंसर नहीं दिखा रहा हूँ, अब अपने आप पढ़िएगा, फिर उसके बाद ढूंढिएगा। चलिए हाइड्रोस्फीयर पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? अगर यही वैल्यूज पार्ट्स पर 1000 में दी गई होती तो आंसर क्या होता? यस, शाबाश सौरभ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पार्ट्स पर 100 में दिया तो 3.5 हो गया। इसके ऊपर एक मैंने वीडियो डाल रखा है, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं। डिस्ट्रक्शन ऑफ ओशन फ्लोर अकर्स एट, कहां पे डिस्ट्रक्शन होगा? दिसंबर 22। जहां पे कन्वर्स करेंगे, बिल्कुल सही, एक दूसरे की तरफ जहां मूव करती है वहां डिस्ट्रक्शन होता है। द माउंटेन दैट राइजेज अ किलोमीटर और मोर एबव द सराउंडिंग सी फ्लोर इज कॉल्ड। अब आपको पता है ओशनिक आइलैंड्स क्या होते हैं, एटॉल क्या होते हैं, आइलैंड आर्क क्या है? याद है आइलैंड आर्क मैंने बताया था, सी माउंट्स कहलाते हैं। आइलैंड आर्क आपको पता है कि मैं बता दूं, मैंने बताया कि नहीं बताया था? बताया था,
ना, जब प्लेट्स मूव करती हैं और नीचे से मेंटल प्लूम का कहीं पे अगर स्टोर है, तो प्लेट्स जब मूव करेगी, प्लेट्स का मूवमेंट रेगुलर नहीं होता, है ना, जर्क्स में होता है। मान लो जब प्लेट यहाँ थी, यहाँ से प्लूम आ रहा, तो यहाँ पे एक आइलैंड बन गया, नेक्स्ट टाइम प्लेट आगे मूव कर गई, इस यहाँ पे आ गई, तो नेक्स्ट ऐसे करके, तो पूरे में ऐसे हर डिस्टेंस में थोड़े से आइलैंड्स बन जाते हैं। हवाईयन आइलैंड पे आप ध्यान, एल्यूशन आइलैंड्स पे ध्यान दीजिए, आर्क शेप्ड में आइलैंड्स बने हुए हैं, जिसको अगेन अल्फ्रेड वेगनर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी उसको एक्सप्लेन करती है, तो उनको आइलैंड आर्क्स बोलते हैं। ठीक है, सबके आंसर सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओशन क्रस्ट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? ठीक है, इसका जवाब दीजिए। वी आर डू मोस्ट ऑफ द डीप फोकाई अर्थक्वेक, अर्थक्वेक डीप फोकाई कहाँ पे होंगी? जहाँ दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही होंगी, है ना, तो किस वाले एरिया में ऐसा हो रहा है? रिफ्ट वैली में भी दूर मूव कर रही, ओशनिक रिजेज में भी दूर मूव कर रही है, सबडक्शन जोन्स में। अच्छा, तो इसका डी आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, सबडक्शन जोन में एक दूसरे के तरफ मूव करती है अनुष्का, ठीक है बेटा, बाकी सब में दूर जा रही है। और आपको याद है, सबडक्शन जोन में जब एक दूसरे के नीचे जाएंगे, तो जितना भीतर जाएगी कहीं स्टक करेगी, फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जो मैंने अभी बोला, आप लोगों ने फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग पढ़ी है एनसीईआरटी की बुक में? एनसीईआरटी की बुक पढ़ी आपने, रिकम्बेंट फोल्ड, ये सब समझ में आ गया था? उस पर बेस क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं कि मुझे बताने की ज़रूरत है, पढ़ाने की ज़रूरत है? वैसे मैं उस टॉपिक को कभी कवर नहीं करता था। आइसोस्टेसी की कॉन्सेप्ट आपने एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा इन चीज़ों को कि नहीं? मैं आप लोगों से बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी की बुक साथ में पढ़ा चलाते रहो। हैव यू डन इट? सब लोग प्लीज, और लोग भी जवाब दीजिए। ज्योतिका, हैव यू रेड दैट बुक? एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है आपने? समझ में आ रहा था ये जो मैं बोल रहा हूँ? फोल्डिंग, रिकम्बेंट फॉल्ट्स क्या होते हैं, ओवरथ्रस्ट फॉल्ट क्या है, फोल्डिंग क्या है? रॉक्स में पढ़ाऊंगा सौरभ, रॉक्स तो मैं बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा, तुम्हारा थोड़ा सा मन हो तो वीडियो पड़े हुए हैं एनवायरो कैटलिस्ट पे, बाकी वो मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, तुम उसकी एनसीईआरटी की बुक की बात कर रहे हो, उसमें रॉक्स बचा हुआ है ना? ठीक है, कोई नहीं, वो कर लेना, बाकी मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग फिर से ग्राउंड वाटर पे वापस आ जाते हैं, जो हम लोग कल कर रहे थे क्लास में। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको महसूस हो रहा है कि यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री, यूनिट फोर, यूनिट टू सेग्रीगेटेड इधर उधर से शामिल होती चली आती है। वन ऑलमोस्ट, है ना, वन में भी ऑलमोस्ट कवर हो गया आपका, थ्री ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है, फोर ऑलमोस्ट होने जा रही है ना, धीरे धीरे आप रियलाइज करोगे चीज़ें होती चली जा रही हैं। ठीक है, इसके बाद मैं एनर्जी स्टार्ट करूँगा। हाँ, मैं तो कराऊंगा ही। ठीक है, अच्छा फोल्ड वाला मैं बता दूं, करा दूं थोड़ा सा, है समझ में नहीं आया क्यों मेरा टाइम खराब करोगे? अगर समझ में नहीं आया तो मैं कराऊं, आ गया है तो फिर रहने दो। श्रेया, ज्योतिका, और लोग भी जवाब दो। सौरभ, कोई ट्रिक्स नहीं होती मेरे पास। अच्छा, अभी जब तुम एक बार जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे, याद कर रहे हो, फिर भी तुम भी अपने जूनियर्स को बोलो कोई ट्रिक नहीं यार, चुपचाप याद करो, हो जाता है। अच्छा, सब हो जाएगा, घबराओ नहीं, यही तो मेहनत करनी है ना, थोड़ी तो मेहनत करनी है ना। हाँ बिल्कुल, स्तुति, आई एग्री विद यू बेटा, कि हर बंदे की अपनी ट्रिक्स होती है। अच्छा, अगर आप किसी और की ट्रिक से याद करोगे ना, तो पहले तो ट्रिक याद करो, फिर ट्रिक क्या डिनोट करती है,
बात समझ, एग्जाम बैठो यार कौन सी ट्रिक यहाँ लगा दी थी, ऐसा होता है, सीन दिस हैपनिंग। अच्छा, अगर कोई दूसरे की ट्रिक करता है तो इसलिए अपनी खुद की इजाद करो, खुद सोचो कौन सी तरकीब, जैसे भी, पिक्चरों के नाम, सब्जियों के नाम, फलों के नाम, जैसे भी याद हो जाए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे थे मेरे ख्याल से, ग्राउंड वाटर कर रहे थे, जोन ऑफ सेचुरेशन, जो अपर पार्ट इसको हम लोग वाटर टेबल बोल रहे थे ना। वाटर टेबल इज द नेम गिवन टू द अपर सरफेस ऑफ जोन ऑफ सेचुरेशन। ग्राउंड वाटर इज कंसीडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स इन एरिड, सेमी एरिड, ड्राई रीजन। दिस में बी द ओनली सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, है ना। यहीं पर कल हम लोग रुके थे। हाँ, हो जाएगा, देखो कोई हिम्मत नहीं हारो, सबसे हो जाएगा। अच्छा चलिए, एडवांटेजेस क्या हैं ग्राउंड वाटर के? सुटेबल फॉर कॉम्पोजिशन, रिलेटिवली मास सेफ, है ना, ये सब सप्लाईज है ना, ये सब तो लॉजिकल चीज़ें, इसमें याद क्या करना। अच्छा, ये भी हो गया तो ओके 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 ओके। डार्सी पे पहुंच गए थे क्या? जोवेनाइल वाटर भी हो गया था, यहाँ पे थे। अनुष्का ने बोला जोनल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है बेटा, ठीक है, जरा यहाँ पे डायग्राम पे ध्यान दे लेते हैं ना। ये ऊपर जेड ए स्टैंड फॉर जोन ऑफ एरेशन, है ना, और पी एस स्टैंड फॉर परमानेंट सेचुरेटेड जोन, है ना, जोन ऑफ परमानेंट सेचुरेशन, जो हम लोग अभी जिसको ग्राउंड वाटर के नाम से जान रहे थे। और आपने देखा था परमानेंट सेचुरेशन जोन में जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है वो हाइड्रोस्टेटिक इम्बैलेंस के हिसाब से होता है, किधर ज़्यादा प्रेशर पुट हो रहा है। और जोन ऑफ एरेशन में ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से वर्टिकल इन्फिल्ट्रेशन होता है वाटर का। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम लोगों ने वेड ओशन बोला था, नीचे वाले को ग्राउंड वाटर जोन बोला। ग्राउंड वाटर जोन में भी एक और जो जोन्स आइडेंटिफाई कराते हैं, एक होता है कैपिलरी फ्रिंज जोन। और देखिए, अपर लिमिट ऑफ ग्राउंड वाटर जोन ऑफ सेचुरेशन को हम लोगों ने वाटर टेबल का नाम दिया था, है ना। छोटी छोटी चीज़ें, तो वाटर दैट गोज बिलो द सर्फेस ऑफ द लैंड मे बी फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू जोन्स, एक तो वेडोस वाटर जोन हो गया, दूसरा फ्रेटिक और ग्राउंड वाटर जोन्स हो गए। वेडोस वाटर जोन की बात करें, इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू थ्री जोन्स, सॉइल वाटर जोन, इंटरमीडिएट वेडोस जोन और जोन ऑफ कैपिलरी वाटर। तीन जोन्स में हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं, वेडोस जोन को एक एक करके देखें। सॉइल वाटर जोन की बात करें, इट फॉर्म्स अ थिन लेयर कन्फाइंड टू द नियर सरफेस डेप्थ ऑफ द लैंड, एकदम ऊपर सरफेस पे। इट मे अकर एट अ डेप्थ बिटवीन 1 to 9 meter एंड इज हेल्ड अप बाई रूट जोन्स ऑफ वेजिटेबल कवर एंड सॉइल केमिकल्स। दिस वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रूट जोन्स को यही एक्सेसिबल होगा तो वेजिटेशन ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो दिस वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ द वेजिटेबल कवर ऑफ द ग्लोब। इट इज लॉस्ट टू एटमोसफियर बाई इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। ये दो तरह से इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो ये हो गया सॉइल वाटर जोन, जो अपर सरफेस में, अपर पोर्शन में पाया जाता है 1 से 9 meter के बीच में। दूसरा इंटरमीडिएट वेडोस जोन, इट इज अ जोन ऑफ नॉन सैचुरेशन इन विच वाटर मूव्स डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सॉइल वाटर जोन एंड इंटरमीडिएट वेडोस जोन आर समटाइम्स कलेक्टिवली रेफर टू एज जोन ऑफ एरेशन। अच्छा, इन दोनों को मिला के हम लोग जोन ऑफ एरेशन के नाम से भी आइडेंटिफाई करते हैं। कैपिलरी फ्रिंज जोन क्या हो जाता है? ऑल्सो कॉल्ड कैपिलरी फ्रिंज, प्रेजेंट ओनली इन सॉइल, ध्यान दिए कहाँ पे पाया जाता है, प्रेजेंट ओनली इन सॉइल्स एंड रॉक्स ऑफ फाइन पार्टिकल साइज अंडरलाइंग द वेडोस जोन। वेडोस जोन के नीचे, लेकिन ऐसे एरिया से जहाँ पे फाइन सॉइल एंड रॉक्स पाई जाती हैं। इन दिस जोन ग्राउंड वाटर इज ड्रॉन अप कैपिलरी इफेक्ट की वजह से, पानी ऊपर की ओर खींच के आता है। ओके, सो इन दिस जोन ग्राउंड वाटर इज ड्रॉन अपवर्ड्स बाई कैपिलरी एक्शन sometimes to the height of about 2 to 3 meters above the saturated zone lying the underneath. Saturated zone से 2 से 3 meter ऊपर तक capillary effect की वजह से water ऊपर की ओर आने लगता है। इस area को हम लोग capillary fringe zone बोले हैं। Growth of vegetation observed in some deserts is very often dependent on the presence of capillary fringe. ठीक है, तो मान लिया जो permanent saturation zone बहुत नीचे, but capillary fringe की वजह से 2-3 meter ऊपर पानी आ गया, तो और जितने भी डेजर्ट एरिया पे ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं उनकी खास बात क्या होती है, बहुत डीप रूट्स होती हैं, उनमें डीप रूट सिस्टम्स पाए जाते हैं, सो दैट ज्यादा डेप्थ पे भी वाटर को वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्राउंड वाटर और फ्रेटिक वाटर जोन्स की, विच इज ऑल्सो नोन एज जोन ऑफ सैचुरेशन। वाटर हेल्ड इन दिस जोन इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर एंड द अपर वाटर सर्फेस ऑफ इट इज कॉल्ड वाटर टेबल, पहले भी बात कर चुके हैं।
सिंस इन दिस जोन ऑल द ओपनिंग्स आर, चूंकि जोन ऑफ सैचुरेशन है तो सभी पोर स्पेसेस सब में पानी भरा हुआ है. तो सिंस इन दिस जोन ऑल द ओपनिंग्स आर कंप्लीटली फिल्ड, देर इज नो और वेरी लिटिल डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड वाटर. इन मैनी केसेज अ सिग्निफिकेंट राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ जोन ऑफ सैचुरेशन इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईयर. जैसे जब रेनफॉल ज़्यादा होती तो जोन ऑफ सैचुरेशन ऊपर आ जाता है, जब पानी का मतलब एक्सेसिव समर सीजन होता है और पानी का ज़्यादा हार्वेस्ट किया जाता है उस समय ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला जाता है. इन मैनी केसेज अ सिग्निफिकेंट राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ जोन ऑफ सैचुरेशन इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द ईयर डिपेंडिंग अपॉन रेनफॉल एंड रिचार्ज. अ थर्ड जोन, जोन ऑफ इंटरमिटेंट सैचुरेशन, ध्यान दीजिएगा ठीक है, इज देन ईजिली रिकोगनाइज. वो एरिया जहाँ पे रेनी सीजन में पानी दैट रीजन विल बी कन्वर्टेड टू जोन ऑफ परमानेंट सैचुरेशन, और जब रेनी सीजन चला जाएगा तो वो क्या कहते हैं एक जोन ऑफ एरेशन में काउंट हो जाए. तो उस बीच वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ इंटरमिटेंट सैचुरेशन. इज देन ईजिली रिकोगनाइज विच मेक्स द डेप्थ बिटवीन द जोन ऑफ वेडोस वाटर एंड जोन ऑफ परमानेंट सैचुरेशन. दिस जोन विल ईल्ड वाटर, ध्यान दीजिएगा, दिस जोन विल ईल्ड वाटर ओनली ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर रेनी सीजन. यानी रेनी सीजन के दौरान चूंकि वाटर टेबल ऊपर आ जाती है तो उस एरिया में पानी आ जाता है, तो उस समय इस पानी से आप इस एरिया से पानी ऑप्टेन कर सकते हो. जैसे मान लीजिए आपका जो आपके यहाँ नल लगा हुआ है ना, हैंडपम्प लगा हुआ, उसका पाइप उस एरिया तक पहुँचा हुआ है, तो ऐसे हैंडपम्प्स में जब रेनी सीजन होगा जब वाटर टेबल उस समय तो पानी आने लगता है, और फिर जब वो नीचे चला है तो पानी नहीं आता है, क्योंकि वो जो जिस डेप्थ तक करा गया है वो डेप्थ जोन ऑफ परमानेंट सैचुरेशन तक नहीं पहुँचा हुआ है इसलिए, ठीक है. तो दिस जोन विल ईल्ड वाटर ओनली ड्यूरिंग द एंड इंटरमीडिएट ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर रेनी सीजन एंड बिकम्स अ नॉन ईल्डिंग जोन फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, ठीक है. जैसे वाटर टेबल नीचे जाएगी फिर बाकी समय पे इस एरिया से आप पानी ऑब्टेन नहीं कर सकते. अब व्हाट आर मीटिंग क्वालिटीज ऑफ रॉक. रॉक्स को हम लोग डिफरेंट नाम से आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन उनकी प्रॉपर्टीज ऑफ होल्डिंग वाटर. उनके नाम पे हम लोग उनको अलग अलग नाम से आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे एक एक्वीफर, अभी रिसेंटली इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं. Defined as the rock mass, what is aquifer? It is defined as the rock mass which is saturated with groundwater, which by virtue of its properties is capable of yielding the contained water at economical cost. यानी ऐसा rock mass जो water को water से saturated है, जिसके पास water is store में, और उस water को आप harvest कर सकते हो, use कर सकते हो, निकाल सकते हो economically. ठीक है, तो डिफाइंड एज द रॉक मास विच इज सैचुरेटेड विद ग्राउंड वाटर एंड विच बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज इज कैपेबल ऑफ ईल्डिंग द कंटेन्ड वाटर एट इकोनॉमिकल कॉस्ट. द क्वालिटी ऑफ एन एक्वीफर विल देयरफॉर डिपेंड ऑन बोथ ऑन हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर इट कैन ईल्ड, ठीक है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर अ रॉक फॉर्मेशन कैन होल्ड पर यूनिट वॉल्यूम एंड एट वॉट रेट इट कैन ईल्ड वाटर. मतलब दो प्रॉपर्टीज होंगी, एक कितना वाटर स्टोर कर सकता है, दूसरा कितना वाटर आप इससे निकाल सकते हो. अभी देखें कुछ रॉक मास ऐसे होते हैं विच कैन स्टोर वाटर बट यू कैन नॉट गेट वाटर आउट ऑफ देम, ठीक है, तो फिर वो रॉक्स तो आपके लिए यूजलेस हो गए. ऐसे एक्वीफर आपके किसी काम के नहीं क्योंकि आप वहाँ उनसे पानी तो निकाल नहीं सकते, ठीक है. तो एक्वीफर वो हो गए जिनमें पानी स्टोर भी होगा और आप उसको इकोनॉमिकली यूटिलाइज भी कर सकते हो. देयरफॉर इट इज ए स्टोरेज रिजर्वायर एंड ट्रांसमिशन कंड्यूट. स्टोर भी कर रहे हो, ट्रांसमिट भी कर रहे हो, आप मूव भी कर रहे हो एट द सेम टाइम. ग्रेवल, लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन जनरली फॉर्म गुड एक्वीफर्स. अच्छा, ये सब याद रखिएगा, ठीक है. हर पॉइंट क्लियर इस वाली स्लाइड का? अनुष्का, श्रेया, झरना, स्तुति, है ना, हर लाइन क्लियर है ना? अच्छा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा. दूसरा हो गया एक्वीक्लूड, a rock mass which may be porous enough to hold enough quantity of water. ध्यान दीजिएगा, which may be porous enough to hold enough quantity of water, but which by virtue of its other properties does not allow an easy and quick flow through it. यानी पानी स्टोर तो होगा पर पानी आप इससे निकाल नहीं सकते. ऐसे रॉक मास को क्या बोलते हैं? Aquiclude. ठीक है. इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज प्रैक्टिकली इम्परमेबल रॉक मास, क्योंकि जब पानी आप उससे ऑप्टेन ही नहीं कर पाओ तो विल कंसिडर एज एट इम्परमेबल, इससे पानी आस पार आर पार नहीं हो रहा. कॉम्पैक्टेड क्ले फॉर्मेशंस आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्वीक्लूड. दे कैन स्टोर लॉट ऑफ वाटर बट दे विल नॉट ईल्ड एनी वाटर, ठीक है.
तो एक्विक्लूड और एक्विफर में डिफरेंस आपको समझ आए। तीसरा एक्विफ्यूज, इट इज एन एब्सोल्युटली इम्परमिएबल, ध्यान दिए, इट इज एन एब्सोल्युटली इम्परमिएबल रॉक फॉर्मेशन थ्रू विच देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्टोरेज और मूवमेंट, ना तो स्टोर करेंगे ना पानी को पास ऑन करने देंगे, दोनों ही चीजें अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये वाला पास नहीं होने देना, स्टोर कर रहा था, एक्विफर दोनों चीज कर रहा था। कॉम्पैक्ट इंटरलॉकिंग ग्रेनाइट एंड क्वार्ट्जाइट आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्विफ्यूज, ठीक है, ये सब याद रखना है, एग्जांपल्स किसका क्या है। नेक्स्ट एक्विटार्ड, इट इज लेस कॉमन टर्म यूज समटाइम्स फॉर एन एक्विफ्यूज और एक्विक्लूड दैट हैज बिकम लोकली लीकी ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल परवियसनेस कॉज बाई बिकॉज ऑफ क्रैक्स, है ना, प्रेशर पुट होने की वजह से रॉक्स में क्रैक्स डेवलप हो गए जिसकी वजह से उस इम्परमिएबल रॉक से थोड़ा बहुत पानी निकल पा रहा है। तो ऐसे रॉक मास को विच इज बेसिकली एक्विफ्यूज एंड एक्विक्लूड बट बिकॉज ऑफ द क्रैक इन द रॉक्स दे डेवलप इन टू वॉट वी कॉल एक्विटार्ड, ठीक है। तो एक्विफर, एक्विक्लूड, एक्विफ्यूज, एक्विटार्ड, ये सब याद रखिएगा किसका क्या मतलब होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्विफर। एक्विफर दो तरीके हम लोग मानते हैं, एक को बोलते हैं अनकन्फाइंड एक्विफर, दूसरे को बोलते हैं कन्फाइंड एक्विफर। तो टू बेसिक टाइप्स ऑफ एक्विफर आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंडीशंस अंडर विच वाटर कैन एग्जिस्ट इन देम, अनकन्फाइंड एक्विफर एंड कन्फाइंड एक्विफर। आइए देखिए क्या होता है अनकन्फाइंड एक्विफर, जरा यहाँ पे डायग्राम पे ध्यान देंगे, है ना, ये अनकन्फाइंड एक्विफर दिया हुआ है, यहाँ पे वाटर टेबल दी हुई है, ये रॉक मासेस हैं। आइए देखिए क्या हो रहा है, ऊपर आराम से इससे पानी आप ऑप्टेन कर सकते हो, नीचे परवियस लेयर होगी लेकिन ऊपर की लेयर जो परवियस है तो इट विल अलाउ पोरस है, इट विल अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ वाटर सो यू कैन इजिली हार्वेस्ट वाटर थ्रू इट। नीचे की लेयर कुड बी इम्परवियस तो पानी नीचे नहीं जाएगा, उस एरिया में रहेगा। तो ऑल्सो कॉल्ड वाटर टेबल एक्विफर, इन दिस टाइप द अपर सर्फेस ऑफ द वाटर टेबल इज अंडर एटमोस्फेरिक प्रेशर, सो वाटर अकरिंग इन दिस टाइप ऑफ एक्विफर इज कॉल्ड फ्री ग्राउंड वाटर। ओके, when trapped through a test well, आप यहाँ पे well करोगे, the free water will rise to a level in the well equivalent to the water table of the area. जब आप यहाँ पे well बनाओगे इसमें पानी का level वही होगा जो area की water table का level होगा। तो ऐसे aquifers को हम क्या बोलते हैं, unconfined aquifer। यहाँ पे जो upper surface that is only under atmospheric pressure, कोई ऐसी rock mass नहीं जो पानी को allow नहीं करे पानी की harvesting, तो इनको हम बोलेंगे unconfined aquifer। कन्फाइंड एक्वर की खास बात क्या होती है, जरा लुक एट दिस टेबल, है ना, यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ, जरा इसको और समझ लेते हैं उसके बाद उसकी बात करेंगे। वाटर टेबल क्या है, द डेप्थ टू अपर सरफेस ऑफ जोन ऑफ सैचुरेशन फ्री ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड, है ना, जो अपर सरफेस ऑफ जोन ऑफ उसको हम लोग वाटर टेबल बोलते हैं। अब देखिए इस वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ पे एक मेन वाटर टेबल, MWT स्टैंड फॉर मेन वाटर टेबल, और एक PW जिसको बोलते हैं पर्स्ड वाटर टेबल, ठीक है, और IMP क्या, इम्परवियस जोन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक इम्परवियस रॉक मास है, ठीक है, ये आपका मेन वाटर टेबल था, यहाँ पे मेन वाटर टेबल है, ठीक है, जब रेनफॉल होगा ये इम्परवियस रॉक, देखिए इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे पानी कलेक्ट हो जाएगा जब ऊपर से रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, जब ऊपर से रेनफॉल होगा तो ये एरिया तो पूरा से इसके थ्रू आराम से पानी नीचे की ओर जाएगा, जब पानी नीचे की ओर जाएगा तो यहाँ पे ये इम्परवियस रॉक मास होने की, यहाँ पे पानी एक्यूमुलेट हो जाएगा इस वाले एरिया में पानी एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड यू आर गेटिंग अनदर वाटर टेबल विच इज नोन एज पर्स्ड वाटर टेबल, ठीक है। जबकि इसे अगर आप इस वाले पोर्शन को छोड़ दो तो बाकी पूरे एरिया में वाटर नीचे की ओर सीप करके जा रहा है, इन्फिल्ट्रेट करके जा रहा है, विच यहाँ पे ये मेन वाटर टेबल है, ठीक है। डायग्राम सबको समझ में आया, ठीक है। तो वाटर टेबल क्या होगा, द डेप्थ to upper surface of zone of saturation free groundwater is called water table. Pulsed water table kya, it is a term used for isolated water table in aquifer held by small extension of impervious rock within the large pervious, baki pura pervious area mein itna ek impervious rocks ki wajah se isne yahan water hold kar liya, ek yahan another water table create hui jisko hum pulsed water table. In such cases the main water table is located much below. Supplies from the such isolated reservoirs with pursed water table are often unreliable. अब जस्ट इमेजिन करिए किसी बंदे ने वाटर पंप लगाया और उसका वाटर पंप इस एरिया में गया, ठीक है, इस एरिया में गया और यहाँ से पानी आने लगा, ही इज वेरी एक्साइटेड। उसके नेबर ने जब पंप लगाया तो मालूम पड़ा उसको पाइप यहाँ तक डालना पड़ रहा, ज़्यादा डेप्थ तक डालना पड़ा, है ना, ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ उसको, इसका कम हुआ, ही वॉज वेरी हैप्पी, है ना, नेबरों में आपस में जलन होती, दिस पर्सन वॉज वेरी हैप्पी।
बट उसकी हैप्पीनेस शॉर्ट लिव्ड थी, है ना। ये जो इम्परवियस वाटर टेबल थी, इट इज़ नॉट अ ग्रेट रिजर्वायर वाटर, सो वंस दिस वाटर विल बी एग्जॉस्टेड और वाटर यहाँ मिलने नहीं वाला, है ना। और अब इसको इसको अगर खोद के नीचे भी ले आने की कोशिश करें तो इम्परवियस रॉक मास की जगह इसकी पंप को, इसको पाइप को नीचे ले जाना भी बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो पर्स वाटर टेबल, मेन वाटर टेबल का डिफरेंस समझ में आ गया सबको बच्चों, क्लियर है ना इतनी बात। ठीक है, अब बात करते हैं ये अनकन्फाइंड एक्विफर की, अभी हम लोग बात करें, अब आ जाते हैं कन्फाइंड एक्विफर की। इट इज ए रॉक फॉर्मेशन सैचुरेटेड विद वाटर एंड कैपेबल ऑफ यील्डिंग वाटर ट्रैप्ड, हैज एन ओवरलाइंग कन्फाइनिंग लेयर, ठीक है, देन दैट सेपरेट्स इट्स फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अपर सर्फेस ऑफ वाटर, ध्यान दीजिएगा, अपर सर्फेस ऑफ वाटर इन कन्फाइंड एक्विफर इज कॉल्ड पीजोमेट्रिक सर्फेस। देखिए डायग्राम कहाँ पे है, अच्छा डायग्राम यहाँ पे नहीं है, मैंने नहीं डाला, चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए कि एक ही इम्परवियस रॉक है और यहाँ पे इम्परवियस रॉक है, ठीक है। और सपोज मैं बोल दूँ ये एरिया ऐसे करके था, ऐसे करके माउंटेनियस एरिया है, तो यहाँ से तो पानी इधर नहीं जा पाएगा, लेकिन इधर से पानी इसके अंदर भरता रहेगा। ये बात सबको समझ में आ रही, तो यहाँ पे जो वाटर होगा वो कन्फाइंड एक्विफर के ऊपर भी इम्परवियस रॉक मास है और नीचे भी इम्परवियस रॉक मास है। अब चूंकि वाटर इधर से कॉन्टीन्यूसली आ रहा था, यहाँ वाटर प्रेशर में होगा इस एरिया में, इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। हो सकता जो यहाँ पे अवेलेबल वाली, यहाँ पे कई माउंटेन है, ठीक है, तो यहाँ पे वाटर टेबल का सपोज लेवल ये है, ठीक है। अब पानी ग्रेविटी के अंदर फ्लो करके यहाँ जा रहा है, तो यहाँ का पानी अच्छे खासे प्रेशर में होगा। अगर आप यहाँ पे इस इम्परवियस रॉक को तोड़ दो और इसके थ्रू एक वेल बना दो, तो इससे पानी अपने आप गश आउट करके बाहर की ओर भागेगा, समझ रहे ना, पानी अपने आप तेजी से ऊपर की, क्योंकि वाटर टेबल तो यहाँ तक की थी, ये डेप्थ नीचे है, प्रेशर में था, पानी तेजी से निकलेगा। ऐसे वेल्स को बोलते हैं आर्टिशियन वेल्स, ठीक है। आइए देखते हैं, तो इट इज अ रॉक फॉर्मेशन सैचुरेटेड विद वाटर एंड कैपेबल ऑफ यील्डिंग वाटर ट्रैप्ड हैज एन ओवरलाइंग, इट हैज एन ओवरलाइंग कन्फाइनिंग लेयर दैट सेपरेट्स इट्स फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अपर सर्फेस ऑफ द वाटर इन द कन्फाइंड एक्विफर इज कॉल्ड पीजोमेट्रिक सर्फेस। ये ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन बन सकता है। आर्टिशियन एक्विफर इज ए कन्फाइंड एक्विफर ऑफ सच अ ज्योमेट्री डेवलप्ड इन सुटेबल जियोलॉजिकल सिचुएशंस सो दैट द पीजोमेट्रिक सर्फेस इज ऑलवेज अबव द ग्राउंड। अब देखिए पीजोमेट्रिक सर्फेस ये थी, बात समझ में आई, और वाटर टेबल कन्फाइंड एक्विफर की वजह से इस एरिया में यहीं पर रह पा रही है, तो जैसे आपने रिलीज किया पानी इसके लेवल पे आ जाएगा, ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आर्टिशियन एक्विफर इज ए कन्फाइंड एक्विफर ऑफ सच अ ज्योमेट्री डेवलप्ड इन सुटेबल जियोलॉजिकल सिचुएशंस सो दैट द पीजोमेट्रिक सर्फेस इज ऑलवेज अबव द ग्राउंड लेवल एट मेनी प्लेसेस व्हेन प्रोजेक्टेड इन एलिवेशन। सच वेल्स आर कॉल्ड एज आर्टिशियन वेल्स और फ्लोइंग वेल्स, क्योंकि अपने आप पानी निकलता रहता है, एंड द टाइप ऑफ ग्राउंड वाटर ऑब्टेन फ्रॉम देम which often need no pumping is known as artesian water, ठीक है। तो artesian wells क्या हैं, समझ में आ गया सबको, piezometric surface क्या है, confined aquifers क्या है, clear है सबको, स्तुति समझ में आया बेटा, ज्योतिका समझ में आ रही बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, function of aquifer, storage capacity of an aquifer depends on porosity of rock and the nature and interconnection of the pores. Pores हैं और interconnected हैं, तो पानी आएगा और इधर से निकल के दूसरी जगह पहुंचेगा। Pores हैं, interconnected, इसे clay में होता है, इसलिए clay जो है पानी को pass on नहीं कर पाती, उसमें porous porosity होती है, but वो pores connected नहीं होते हैं। बाकी जितने भी हो गए उनमें पोर्स कनेक्ट, जैसे लोम हो गई आपकी, सैंडस्टोन हो गए, तो उसमें पोर्स भी और वो कनेक्टेड भी, इसलिए सैंडस्टोन इज गुड एक्विफर, ठीक है। तो स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ एन एक्विफर डिपेंड्स ऑन पोरोसिटी ऑफ रॉक एंड द नेचर एंड इंटरकनेक्शन ऑफ द पोर्स। पोरोसिटी क्या, इट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन रॉक मास एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज टर्म्स ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द रॉक। टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंट पोर्स हैं, वॉइड्स हैं, उसको हम पोरोसिटी बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर रिलेटिवली हाईली पोरस,
पोरोसिटी इज ब्रॉड मेजर ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ एन एक्वीफर. फार्मूला क्या, पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ रॉक्स इनटू 100. अगर आप इससे वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट करना चाहेंगे, वॉल्यूम वाटर इज गोइंग टू बी इक्वल टू पोरोसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ मटेरियल. ठीक है, अगर पोरोसिटी दी है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आपको पता है, तो आप उसका कितना वाटर वो होल्ड कर सकती है वो आप निकाल सकते हैं. दैट इज गोइंग टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड. ठीक है, तो ये हो गया, एक तो हो गई पोरोसिटी. दूसरा कैपेसिटी टू ट्रांसमिट वाटर, जिसको हम लोग हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी बोलेंगे, अभी आगे उसकी बात करेंगे. दूसरा स्पेसिफिक यील्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर ड्रेन्स बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक यील्ड. वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर ड्रेन्स बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक यील्ड. पोरोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन डिटरमाइनिंग द वाटर बेयरिंग क्वालिटीज ऑफ रॉक. ओनली पोरस रॉक्स कैन बी एक्वीफर, बट हाई पोरोसिटी इटसेल्फ इज नॉट सफिशियंट टू इंश्योर वाटर यील्डिंग कैपेसिटी. पोरोसिटी इज अ रिक्वायरमेंट, बट अलोन पोरोसिटी अलोन इज नॉट सफिशियंट टू टेल यू अबाउट द वाटर यील्डिंग कैपेसिटी ऑफ ए रॉक. टर्म इफेक्टिव पोरोसिटी इज समटाइम्स यूज टू एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ पोर्स विच इज इफेक्टिव इन रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम एन एक्वीफर. तो अगर यील्ड निकालना है कितना वाटर ऑब्टेन किया जा सकता है किसी रॉक मास से, तो दैट विल डिपेंड ऑफ यील्ड इज गोइंग टू बी इक्वल टू स्पेसिफिक यील्ड इनटू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल. ठीक है, ये फार्मूले सब आपको रट्टे मारने हैं, क्वेश्चंस में आज इसके नहीं कराऊंगा, सिर्फ थ्योरी पढ़ा के छोड़ दूंगा. ये टेबल है, देखिए स्पेसिफिक यील्ड की वैल्यू दी, अगर क्वेश्चन देंगे तो आपसे ये वैल्यूज दे देंगे, बाकी ये टेबल आपको रट्टे मारनी है बुरी कदर. अच्छा, बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा किसकी कम, है ना, हर तरीके से पोरोसिटी स्पेसिफिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में एब्सोल्यूट वैल्यू के टर्म्स में हर तरह से याद कर लीजिएगा. अब जरा नोटिस करिए जो बात मैं कह रहा हूँ, देखिए क्ले की पोरोसिटी कितनी ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा है, बट स्पेसिफिकली देखिए बहुत कम है. क्यों? क्योंकि वो पोर्स इंटरकनेक्टेड नहीं है. और वहीं आप सेंड की बात देखिए, पोरोसिटी भले नंबर टू पे, लेकिन स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा है. वजह समझ में आ रही ना, ऐसी ग्रेवल की. ठीक है, बात समझ में आ रही सबको. और इसे कंडक्टिविटी की वैल्यू पे ध्यान दिए, देखिए कंडक्टिविटी कितनी कम है क्ले की, तो पोर्स इंटरकनेक्टेड नहीं है. वहीं सेंड और ग्रेवल की देखिए कंडक्टिविटी कितनी है. ठीक है, फिर जरा इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा. फ्लो इन एक्वीफर, एक्वीफर में वाटर कैसे फ्लो करे किन चीजों पे डिपेंड करेगा. मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू एन एक्वीफर इज अ फंक्शन ऑफ थ्री फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एक तो प्रेशर, दूसरा वेलोसिटी एंड तीसरा एलिवेशन हेड. आइए देखते हैं क्या हो रहा है. अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ इक्वेशन द सम ऑफ एनर्जी पोटेंशियल, फार्मूला आपको याद नहीं करना है लेकिन फिर भी इस पर उम्मीद कम है पूछने की, जो पूछते हैं वो डार्सीज़ के ऊपर आगे मैं बताऊंगा. फ्लो इन एक्वीफर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स लाइक परमिएबिलिटी. वट इज परमि, पोरोसिटी इज समथिंग डिफरेंट, परमिएबिलिटी इज समथिंग डिफरेंट, डोंट कन्फ्यूज टू वर्ड्स. अच्छा ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटी ऑफ रॉक टू ट्रांसमिट फ्लूइड थ्रू इट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी. परमिएबिलिटी विल डिपेंड अपॉन whether the pores are interconnected with each other or not. If the rocks is having high pores and they are connected, then it is going to be permeable. But if only pores are not connected, then it will be porous, but it will not be permeable. Okay? So permeability is essentially related to quality of pores and other interstices in a rocks. According to rock, which are made up of well-assorted grains and which are traversed by interconnected joints, crevices and cavities, allow the water to pass through them easily. है ना, अगर cracks हैं, joints हैं, तो उनके through पानी pass on करके एक जगह से दूसरी जगह pass on हो जाएगा. On the other hand, rocks with closed or dead end pores, like clay की जैसी बात हम लोग कर रहे थे, do not allow water transmission. In general, rocks are classified into three groups on the basis of coefficient of permeability. तीन तरह के groups में measure divide किया हो, again ये table important हो जाएगी आपकी. Extremely permeable में देखिए परमिबिलिटी कोएफिशिएंट वैल्यू ग्रेटर देन, कौन कौन सा आ रहा ध्यान दीजिएगा, सैंडस्टोन आ जा रहा, लाइमस्टोन आ जा रहा, क्रिस्टलाइन रॉक्स, पेबल्स एंड ग्रेवल्स. और इम्परमिएबल में देखिए क्ले आ रही है, ऑलमोस्ट इम्परमिएबल, इग्नियस रॉक्स हो गए, कॉम्पैक्ट इग्नियस रॉक्स, माल्स हो गए. सेमी परमिएबल में फाइन ग्राइंड्स हैं, ग्रेन सैंड हो गए, लोम्स हो गई, स्लाइटली जॉइंटेड क्रिस्टलाइन रॉक्स और सेम वैल्यूज भी दी गई. टेबल आपको याद करनी है, कोई मतलब ऑप्शंस नहीं, चॉइस नहीं है आपके पास.
फिर एक कॉन्सेप्ट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की, ठीक है। इन एन अनकन्फाइंड एक्वे द स्लोप ऑफ द वाटर टेबल, अभी अनकन्फाइंड एक्वेयर अभी मैंने आपको बनाया था इम्परवियस रॉक से, तो ऊपर माउंटेन ऊपर थे तो उसकी वजह से टेबल यूँ करके जा रही थी वाटर टेबल, है ना। तो इन एन अनकन्फाइंड एक्वे द स्लोप ऑफ वाटर टेबल इज मेजर्ड, टेबल मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ द स्टीपेस्ट रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ग्राउंड वाटर फ्लो इज इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट, उस डायरेक्शन में फ्लो होगा पानी का, एंड एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द कितना ग्रेडियंट दैट विल डिसाइड एट वॉट स्पीड वाटर इज फ्लोइंग एंड एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द ग्रेडियंट, दिस कम्स आउट टू द फॉर्मूला। ये डिफरेंस हैड हो गया H2 - H1 अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन दो एरियाज जो आपने खोदे थे, तो DH अपॉन DL इसको शॉर्ट में आप कर सकते हो। टू डिफाइन इट मोर केयरफुली वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक हेड। हाइड्रोलिक हेड इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम सम रेफरेंस डेटम प्लेन, है ना, मीन सी लेवल आपने लिया, उससे कितनी हाइट है, यहाँ पे कितनी हाइट है, यहाँ पे कितनी हाइट है, ठीक है। यहाँ पे वाटर टेबल यहाँ पे इस हाइट पे आ रहा है, यहाँ पे इस हाइट पे आ रहा है, तो जो डिफरेंस है वो डिसाइड करे ग्रेडियंट इधर की ओर होगा, ठीक है। तो हाइड्रोलिक हेड इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम सम रेफरेंस डेटम प्लेन यूजली टेकन टू बी द सी लेवल ऑफ टू द वाटर टेबल। आइए देखते हैं, इस डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा, ये ग्राउंड वाटर का फ्लो है इधर की ओर जा रहा है, ये आपका मीन सी लेवल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब आपने क्या कहते हैं जो वेल खोदा है, तो किस डेप्थ पे वाटर टेबल आ रही है, यहाँ पे देखिए डेप्थ कम है, यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है, ज़्यादा डेप्थ तक आपको जाना पड़ रहा है ना। तो ये हम लोगों ने DH/DL जो अभी देखा था, H2 - H1/L, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पता लग जाएगा कि इधर की ओर वाटर फ्लो जा रहा है, कितना ग्रेडियंट है, उसको यूज़ करते हैं हम लोग डार्सीज के लॉ में। आइए देखते हैं क्या है डार्सीज लॉ है, क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, बहुत न्यूमेरिकल्स पहले आ रहे थे, अभी काफ़ी समय से नहीं आ रहे हैं। वैसे तो इन जनरल न्यूमेरिकल्स 2-3 एग्जाम से आने कम हो गए हैं, मे बी उनको एहसास हुआ कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का नहीं, इन्वायरमेंटल साइंस का एग्जाम हो रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू अ कॉलम ऑफ सैचुरेटेड सैंड इज, दो चीज़ों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन हाइड्रोलिक हेड, तो रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू Q = KA DH/DL, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल द लेंथ ऑफ कॉलम, ठीक है। वेयर Q क्या है, फ्लो रेट, K क्या, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी और कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, अगर क्वेश्चन देंगे तो वैल्यू देना चाहिए, A क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया, DH/DL हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अच्छा, ये फार्मूले आपको रट्टे मार रहे हैं, अगले क्लास में न्यूमेरिकल्स कराऊंगा उसके पहले सब फार्मूले याद कर लेना, ठीक है। ये वही वाली टेबल फिर से आ गई है, अभी आपको याद करनी है, बताई दिया मैंने। डार्सीज ला अज्यूम्स लीनियरिटी बिटवीन फ्लो रेट एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, विच इज अ वैलिड अजम्पशन इन मोस्ट बट नॉट ऑल सर्कमस्टांसेस। इट ब्रेक्स डाउन व्हेन फ्लो इज टर्बुलेंट, एंड जब तक लीनियर फ्लो हो रहा है उस समय तक डार्सीज ला भी एप्लीकेबल ही होगा। अच्छा, विच में अकर इन इमीडिएट विसिनिटी ऑफ पंप्ड वेल, इट इज ऑल्सो इनवैलिड वेन वाटर फ्लोज थ्रू एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन मटीरियल सच एज कोलाइडल क्ले, इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सम अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के आर गिवन, के अभी हमने देखा ना कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी की वैल्यूज आपको टेबल में दी गई है। एक्वीफर दैट हैव सेम हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी थ्रू आउट आर सेट टू बी होमोजीनियस, है ना, जिसमें पूरे में एक हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी पाई हो, जिनमें कुछ जगह पे कम कुछ जगह पे ज्यादा, उनको हेट्रोजीनियस बोलेंगे। वेयर इज दोज इन विच हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर नोन एज हेट्रोजीनियस। एक्वीफर दैट हैव द सेम हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इन एनी फ्लो डायरेक्शन आर सेट टू बी आइसोट्रॉपिक, वेयर इज दोज इन विच कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन आर नोन एज एन आइसोट्रॉपिक। तो ये टर्म्स याद रखिएगा, आपके यहाँ वैसे भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत सिंपल सा। तो आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या, आइनोट्रॉपिक का मतलब होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। फ्लो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करें, द रेट एट विच ग्राउंड वाटर इज मूविंग थ्रू एन एक्वीफर स्पेशली व्हेन अ टॉक्सिक प्लूम एग्जिस्ट अप ग्रेडियंट फ्रॉम अ वाटर सप्लाई। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्लो वेलोसिटी Q = A × V, जहाँ पे डार्सी वेलोसिटी V के टर्म्स में हम कैलकुलेट करेंगे, डार्सी वेलोसिटी V = Q/A, Q का फार्मूला भी हमने पहले रखा था KA DH/DL, और A है ना, तो ये आपका फार्मूला, ये A कट जाएंगे, ये फार्मूला बन के आता है डार्सी वेलोसिटी V = KDH/DL। फॉर्मूले सब आपको याद कर लें, इज इट ओके बच्चों, फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं, ठीक है। बस मैं क्लास यहीं पे रोकूंगा, इसके आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, आपके पास काफी कुछ है, उसको सब टेबल वेबल सब निपटा लीजिएगा अगले क्लास के पहले। मैं आइसोस्टेसी और फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग थोड़ा सा बताऊंगा, अच्छा श्रेया ने कहा भी, वैसे भी मैंने मूड बना रखा था, मैं बताऊंगा।
और उसके बाद फिर मैं रॉक्स एंड मिनरल से स्टार्ट करूँगा। मेरी राय रहेगी रॉक्स एंड मिनरल के कुछ वीडियोस मेरे एक इन्वायरो कैटलिस्ट के नाम से जो अपना चैनल है ना उस पर पड़े हुए हैं, तो एक बार उनको वॉच कर लेना, ठीक है? तो थोड़ा सा ट्यून्ड रहोगे, ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी बुक रीडिंग कर लेना, अभी क्लास में यहीं पर रोकूंगा। तैयार है आप लोग? क्वेश्चन फॉर्म सब याद करते हुए हैं? सौरभ, ज्योतिका, फॉर्मूले रिवाइज कर लिए थे? और मैंने अभी दो पीडीएफ भेजे, देख लिया आप लोगों ने? मिल गए सब? दो पीडीएफ सभी भेजे हैं आप लोगों को, ठीक है? स्टेसी और फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग मैंने बोला लास्ट क्लास में मैं करा दूंगा, तो उसके मैंने आप लिए पीडीएफ भेज दिए हैं। ग्राउंड वाटर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर उस टॉपिक को शो करेंगे, फिर हम लोग आगे रॉक सेल्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे। चलिए शुरू हो जाइए, आराम से रहिएगा। कल जो मनिका मैम का क्लास, उसकी रिकॉर्डिंग अभी हो रही है, जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। आराम से करिए, देखिए क्या होगा आंसर इसका। सही, और लोग भी जवाब दीजिए। अ कन्फाइंड एक्वेरी इज एन एक्वेरी व्हिच इज कन्फाइंड बिटवीन इंपरवियस बेड्स सच एज एक्यूट और एक्यूज। अब सब आपको टर्म्स पता है क्या होता है। देन डिस्चार्ज ऑफ दिस एक्वेरी टेक्स प्लेस ऑन द एरियाज वेयर इट इज एक्सपोज्ड एट द ग्राउंड सरफेस, है ना? वहीं से तो पानी पहुंच रहा है, तो पानी पहुंचेगा उसमें। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल सही। करिए, आपने याद हाइड्रोलिक कंडक्टिव सबकी, मैंने आपको बोला था। शाबाश, ठीक है, सभी के आंसर सही, सब टेबल से भी याद कर लिए आप लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान पढ़िएगा। हाँ, लेकिन आपको बेस्ट आंसर पे जाना है। याद करके रहे, और क्या इसका देख। ठीक है, इसको भी जवाब दीजिए सब लोग। तीनों होता है सॉर, ग्राउंड वाटर, अनकाइंड, कन्फाइंड, सेमी कन्फाइंड क्या है, है ना? जिसमें थोड़ा बहुत कहीं पे ब्रेकेज लीकेज जाएगा तो डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। टर्मिनोलॉजी सही है, मैंने सोच के जवाब दीजिए क्या था? अच्छा सर, इस वाले करिए।
गुड, वेरी गुड। ठीक है। शाबाश। ध्यान से जहाँ तक एटमॉस्फेयर अलाउ करे वहाँ पे वाटर टर्बुलेंस होती है, अनकन्फाइंड एक्वीफर केस में। कन्फाइंड में तो प्रेशर जनरेट होता है, तो क्या सर हो जाएगा इसका? बीस करेक्ट आंसर सही। और लोग भी करिए। इसको करिए, ध्यान से करिए क्या कह रहा है। ग्राउंड वाटर में गेट सीरियसली कंटेमिनेटेड कोस्टल कोस्टल एरिया होता है, मालूम सॉल्ट वाटर इंट्रूजन हो जाता है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल वाले लोगों ने सबसे पहले जवाब समीक्षा। ठीक है बेटा, समझ गए समझ गए समझ गए। चलिए इसको करिए। मैंने थ्योरी में बताया है आपको द रिलेशनशिप बिटवीन फ्लो वेलोसिटी एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज लीनियर, मैंने बताया थ्योरी में। और क्या भी किया अपन लोगों ने क्लास में। ध्यान से ऑप्शन ध्यान से रीड करिए, तब इस वाले का दीजिए। वाटर मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक मटेरियल।
ठीक है, ठीक, ओके 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 ओके। ठीक है। करिए इसको। बस और लोग भी दो जल्दी से। ठीक है। नेक्स्ट करिए। हाँ ठीक है, ये आ सकता। ये आपको समझाने के लिए, ये गिलबर्ट की बुक का एक सॉल्व एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया वो जरा से देख लेंगे। फॉर एन एक्विफर ऑफ सैंड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन, छोड़ देते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर वुड बी स्टोर्ड इन अ सैचुरेटेड कॉलम विद अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, एरिया दिया हुआ है, डेप्थ दी हुई है। ठीक है, पूछा इसमें कितना वाटर स्टोर किया जा सकता। ठीक है, कि एक्विफर ऑफ सैंड इतना, इतना इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कितना वाटर इससे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ये से कैलकुलेट करने को लाए। तो क्या करेंगे, एरिया और डेप्थ से वॉल्यूम निकालते हैं। उसके वॉल्यूम से पता लग जाए कि उसमें कितना वाटर स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने वॉल्यूम मटेरियल निकाल लिया, जिसमें हमने क्रॉस सेक्शन एरिया टू डेप्थ को मल्टीप्लाई दिया, आपका वॉल्यूम वाटर जितना स्टोर किया जा सकता है वो निकाल लिया। अब अगर उसकी पोरोसिटी दी हो, जैसे इस बार मान लीजिए पोरोसिटी हो, पोरस है, तो पोरोसिटी विल इन्फ्लुएंस द टोटल वॉल्यूम एंड दैट विल इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ वाटर इन स्टोर। तो अगर आपको पोरोसिटी का भी उसमें कॉन्सेप्ट दिया हो गया है, तो उस केस में आप वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के क्या करोगे, पोरोसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। उससे आपको टोटल कितना एरिया वाटर स्टोर करने के लिए अवेलेबल वो पता चल जाता है। ठीक है, तो कितना वाटर ये स्टोर करेगा वो आप इससे निकाल दो। कितना वाटर इस रॉक से निकाला जा सकता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, हम लोग दूसरा फार्मूला यूज करेंगे। सभी फार्मूले आपके नोट्स में आ चुके हैं, जिसके लिए फार्मूला यूज, यील्ड इज इक्वल टू स्पेसिफिक यील्ड इनटू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। स्पेसिफिक अगर आपको दी गई है, जो भी दी गई है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल गिव यू क्या यील्ड होगी उसकी। ठीक, अच्छे से समझ लो, सबको समझ में आ रहा है क्या दिया गया, क्या क्या है। ठीक है, स्पेसिफिक यील्ड आपको टेबल में दी गई क्वेश्चन वैल्यू दे, मोस्ट प्रोबली याद करके रखिए। ठीक है, बाकी चीज़ें तो आपको गिवन होंगी, जिससे आप कैलकुलेट सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबको, हम लोग कैसे निकालने हैं, झरना, फर, प्राची, ज्योतिका, सौरभ, स्तुति, चीज़ें समझ में आई। ठीक है, चलिए फिर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को सोचकर देखिए, करिए इस कौन से करिए। तो स्पेसिफिक दी हुई है आपको और क्रॉस सेक्शनल एरिया और डेप्थ दिया हुआ है। ठीक है, पूछा इससे हाउ मच वाटर कैन बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एक्वीफर। तो आप पहले तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ले लीजिए, कितना वॉल्यूम है, और फिर उस यील्ड निकाल लीजिए। दो फार्म यूज होंगे, बताइए देखिए कितना आ रहा है, करिए सॉल्व सब लोग। देखिए कितना, देखिए सबका 0.75। वॉल्यूम आप क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू डेप्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे और स्पेसिफिक को मल्टीप्लाई कर, दैट विल गिव यू यील्ड, है ना।
ठीक है। स्क्वायर, ये इस वाले में पोरोसिटी भी दी हुई है, ध्यान से पढ़िए क्या क्या दिया, क्या पूछा है। सुनने आपको वेट डेप्थ वो सब दे दिए ना, सभी वॉल्यूम आप निकाल गए, वो निकाल लीजिए ना। वॉल्यूम वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम मटेरियल इनटू पोरोसिटी, तो वॉल्यूम मटेरियल आपको मल्टीप्लाई पोरोसिटी की वैल्यू ने आपको दी हुई है, देखिए कितना आ रहा है। अनुषा व्हाट इज दिस 8? अच्छा वॉल्यूम में मैं बता रही हूँ क्या? हाँ समझ गया समझ गया, ठीक है कैलकुलेट कर दो बेटा कितना आ रहा है, सही बताओ। किसी का फॉर्मूला देना सबको, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इनटू पोरासिटी, लोग भी देखो अनुष्का खाया और किसा ही नहीं रहा है, ऐसा क्वेश्चन है। सौरभ आ नहीं था, समीक्षा फरद क्या हुआ, आ गया? हाँ सीधे मल्टी तो करना है, स्पेसिफिक इल्लू सीधे दी आपको, उसकी जरूरत नहीं है। और लोग भी जवाब दो, ठीक है शाबाश भाई, ठीक है एक लास्ट क्वेश्चन और कर लीजिए। देखिए इसका आंसर ए है, आप सबका ए आया है, करेक्ट आंसर है। एक और कीजिए, फ्लो रेट वाला फार्मूला वो आई होप याद होगा। शाबाश सौरभ, इस वाले को बेटा ना, फ्लोरेट का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू के डी एच अपॉन डी एल। अभी क्या क्या दिया हुआ है, आप डी वन दिया है 1 मीटर, एल की वैल्यू 100 मीटर दी है, के की वैल्यू 50 है ना, और ए की वैल्यू 25, ए वन दिया जो 25 है प्लस एक उसका वो दिया हुआ है, तो आपस में मिलाई कर दीजिए, 50 × 25 × 1 × 1/200 ये आ रहा है।
अब एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, क्लोजेस्ट आ रहा है इस वाले में। अब देखिए क्या आ रहा है। अच्छा घबराइएगा नहीं, क्लोजेस्ट आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आया इस क्वेश्चन में। यस न्यूमेरिकल्स देखते ही अनुष्का का पेन में जीस चलने लगता है। लोग भी कर लीजिए। सही है बिल्कुल। सौरभ बेटा हुआ, ठीक है चलिए हैप्पी हैप्पी हो जाइए। अच्छा है? अच्छा तैयार रखना, इस तरह का क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं, और आपका छूटेगा तो इंडिया में कोई नहीं तैयार आ। देखिए मैं अच्छे लेवल की प्रिपरेशन आप लोगों की कराता हूँ, तो अगर जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे ना उसको बहुत लोग नहीं करेंगे, तो उस क्वेश्चन से आपका नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, वैसे तो मैंने आप लोगों से एनसीईआरटी की बुक रीड करने को कहा था, फिर भी मैंने कहा था कि इस टॉपिक को मैं कवर कर दूंगा। अच्छा फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग और एक आइसोस्टेसी का टॉपिक अभी मैं देख रहा हूँ, इससे तो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इस टॉपिक को मैं नए एडिशन बुक भी ऐड करने जा रहा हूँ। तो फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग होता क्या है, पहले क्या करते हैं, पहले आइसोस्टेसी को पहले कवर करते हैं। व्हाट इज आइसोस्टेसी? ठीक है चलिए देखते हैं क्या है। जरा यहाँ डायग्राम ध्यान दीजिए सभी लोग, ठीक है पहले तो क्या लिखा है और डायग्राम पे ध्यान दीजिए। आपने दो इन ब्लॉक को पानी डाला, ठीक है, इन दोनों वुडन ब्लॉक को अगर आप देखो तो जो वुडन ब्लॉक बड़ा होगा है ना वो ज्यादा डेप्थ में जाएगा और ज्यादा पोर्शन बाहर निकला होगा, क्योंकि उसकी टोटल लेंथ ज्यादा है, तो इन ऑर्डर टू डेंस है ना, जब डेप्थ में जाएगा उसका वेट ज्यादा होगा तो उतना पानी को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, और उसी का उतना ही पोर्शन बाहर निकला हुआ होगा। ऐसे अगर हम कंपेयर करें छोटे वुडन ब्लॉक के साथ, ठीक है, अब आप एज एन एग्जाम्पल समझ सकते हो लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के केस में। याद है मैंने आपको बताया था कि लिथोस्फीयर जो जो आउटर क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मिल्क के लिथोस्फीयर आते हैं जो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लो करते हैं, दे कैन मूव, है ना, तो उसी तरीके से समझ लीजिए लिथोस्फीयरिक प्लेट है वो एस्थेनोस्फीयर उसी तरीके से जैसे वुडन ब्लॉक के एग्जाम्पल उसी तरीके से एडजस्ट होती है। तो अब जहाँ पे लिथोस्फीयरिक प्लेट मोटी जैसे माउंटेन्स है, माउंटेन बहुत ऊंचे होते हैं, तो माउंटेन बहुत ऊंचे अगर हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए उनकी रूट भी उतनी डेप्थ में ही, जैसे यहाँ पे माउंटेन की देखिए ज़्यादा हो रही है, इस एरिया की थिकनेस कम है तो इसकी डेप्थ भी कम, इसी तरीके से इस वाले को देख लीजिए। तो कितना मेंटल का पोर्शन वो डिस्प्लेस करेंगे वो डिपेंड करेंगे उनके खुद के वॉल्यूम के वेट के ऊपर, कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल को वो डिस्प्लेस कर रहे हैं, दैट विल साइड। सो व्हाट इज आइसोस्टेसी? आइसोस्टेसी इज ए बैलेंस ऑफ बैलेंस इक्विलिब्रियम ऑफ एडजेसेंट ब्लॉक ऑफ लिथोस्फीयर फ्लोटिंग ऑन एस्थेनोस्फीयर, यानी ब्लॉक ऑफ जो लिथोस्फीयर वो फ्लोट कर रहे हैं एस्थेनोस्फीयर पर। सिंस लिथोस्फीयर वेज लेस देन मैन रॉक्स, लिथोस्फीयर का वेट कम होता है ना, पहले हम देखो डेंसिटी का डिफरेंस आपने देखा है ना, लिथोस्फीयर हल्का है मैन और ज्यादा डेंस होता है, और कोर में तो बहुत डेंसिटी ज्यादा होती है। तो सिंस लिथोस्फीयर वेज लेस देन मेटल रॉक्स द क्रस्ट कैन बी थॉट ऑफ एज फ्लोटिंग ऑन द डेंसर मेंटल एज वुड फ्लोट वाटर, है ना। तो ये उदाहरण अच्छे से समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आ रही है अनुष्का सौरभ ज्योतिका बच्चे, बात समझ में आ रही है कि आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम हुआ क्या, आइसोस्टेटिक बैलेंस हुआ क्या। ठीक है आगे बढ़ते, ब्लॉक्स ऑफ फ्लोटिंग ऑन वाटर राइज और सिंक अंटिल, जब आप शुरू में रखोगे तो राइज करेंगे टिल अचीव करते बैलेंस को, ठीक है। तो ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन वाटर राइज और स्लिंग अंटिल दे डिस्प्लेस एन अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू देयर ओन वेट, द वेट ऑफ द वाटर ब्रिंग्स अप द वुडन ब्लॉक, है ना, ऊपर उसको फेंकेगा, अलाउइंग देम टू फ्लोट। हायर वुड ब्लॉक अपीयर्स अबव द वाटर सरफेस, द डीपर द ब्लॉक एक्सटेंड्स अंडर द वाटर, जितना ऊपर उतना वो डेप्थ भी जाएगा। दस अ टॉप ब्लॉक हैज अ डीप रूट मच लाइक एन आइसबर्ग फ्लोटिंग ऑन द वाटर, आइसबर्ग का भी यही होता है, उसका तो 1/10 ही बाहर निकलता है क्योंकि डेंसिटी आइस ना। In a greatly simplified way, the lithosphere can be thought of as tending to rise or sink gradually until it is balanced by the weight displaced as atmosphere. उसी तरह atmosphere के
में जो लिथोस्फेरिक ब्लॉक है उनको आप ऐसे फ्लो करते हुए महसूस कर सकते हो और राइजिंग करेंगे डिपेंडिंग अपॉन किस पॉइंट पे उनका बैलेंस मेन हो जा रहा है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल मूवमेंट टू रीच इक्विलिब्रियम एंड वर्टिकल अप एंड डाउन रहा है टिल द इक्विलिब्रियम इज व्हाट वी कॉल आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। अभी आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट को आगे समझिए। जस्ट एज विद अ ब्लॉक ऑफ वुड वंस लिथोस्फेरिक ब्लॉक हैव कम टू आइसोस्टैटिक बैलेंस टॉल ब्लॉक स्टैंड्स डीप इन द मेंटल डायग्राम में देख भी चुके हैं उसका लॉजिक भी आपको उसमें आ रहा है। अभी मैंने बोला डायनेमिक चैप्टर उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। फिगर शोज बोथ ब्लॉक्स वुड एंड ब्लॉक ऑफ लिथोस्फेरिक आइसोस्टैटिक बैलेंस द वेट ऑफ वुड इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर सिमिलरली द वेट ऑफ लिथोस्फीयर इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड सोनोस्फीयर उस पॉइंट पे वो बैलेंस में आ गया। एज अ रिजल्ट द रॉक एंड फिगर बी थॉट ऑफ एज स्प्लिट इनटू वर्टिकल अलग अलग कॉलम्स एक कॉलम ये जो कॉलम की जितनी वेट थी वो डिसाइड करे वो कितना अंदर जाए कितना बाहर की ओर निकल तो आप वर्टिकल कॉलम उनको ट्रीट कर सकते हो। तो एज अ रिजल्ट द रॉक्स इन कैन बी थॉट एज सेपरेटेड इनटू ए वर्टिकल कॉलम ईच विद द सेम प्रेशर एट द बेस। ठीक है अब देखिए डायग्राम पे वापस चले जाते यहां पे जो प्रेशर पड़ा होगा इस जगह पे वो तीन केस में सेम होगा समझ में क्योंकि ये अपने वेट के बराबर डिस्प्लेस कर रहा है ये अपने वेट के बराबर डिस्प्लेस कर रहा है तो जो यहाँ प्रेशर होगा जो बोले डेप्थ ऑफ इक्वल प्रेशर कि पॉइंट पर जितना इसी वजह से यहाँ पे होगा उतना टोटल प्रेशर ये होगा उतना टोटल प्रेशर ये होगा। अच्छा ये प्रेशर टोटल होगा ये मेंटेन किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्यों इम्पोर्ट हो जाती है अभी हम लोग क्रिस्टल रिबाउंड की थ्योरी देखेंगे फिर से समझिए। एज अ रिजल्ट द रॉक इन फिगर कैन बी थॉट ऑफ एज अ सेपरेटेड इनटू वर्टिकल कॉलम ईच विद द सेम प्रेशर एट इट्स बेस at some depth of equal pressure each column is balanced with other column sab column separate balance mein hai theek hai for each column has the same a column of continental lithosphere has the same weight as a column containing the thin continental lithosphere and some of the upper wo sab same ho jayenge a column containing what ye usi ka example leke put kiya hua hai ab jo concept bola crystal rebound ki aiye usko dekhte hain crystal rebound kya hua jara diagram ko fir se dekhiye ये माउंटेन होगा तो ऑब्वियसली इतने ऊंचे माउंटेन के वेट को विदस्टैंड करने के लिए उतना डीप रूट भी है जो मेंटल में है ना एंटर करा हुआ है यहाँ तक देखिए क्रिस्टल रूट आपको देख रहे हो ठीक है और ये आइसोस्टैटिक बैलेंस है। कोई भी लैंडफॉर्म इज ऑलवेज एक्सपोज टू इरोजनल प्रोसेस है ना हमेशा उसमें इरोजन हो रहा है जैसे जैसे आप देखिए इरोजन हो रहा है इरोजन करेंगे जब तो ये वाला एरिया इरोड इसका ऊपर वाला एरिया इरोड करके देखिए यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है ना यहाँ पे दिखाई दे रहा सबको डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट लिखा इरोजन के थ्रू ये मटेरियल इरोड करके यहाँ पे आप एरिया बोल लो वैली एरिया बोल लो वहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। जब ये कलेक्ट हो रहा है तो देखिए जब यहाँ का इरोड हो रहा है तो इस वेट हो रहा है इस वाले एरिया का वेट कम है और यहाँ पे वेट इंक्रीज कर रहा है ना इन दोनों जगहों पर जहाँ पे मटेरियल इरोड करके आके कलेक्ट हो रहा वहाँ पे वेट इंक्रीज हो रहा है जहाँ पे वेट कम हो रहा है वहाँ पे ये ऊपर की ओर जाएगा तो नया एडजस्ट होगा नया बैलेंस मेंटेन करेगा है ना और जहां पे कलेक्ट हो वहां पे वेट इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेंस होगा। आई होप सबको साफ दिखाई दे रहा है प्लीज सब लोग साथ दीजिए बताइए समझ में आ रहा है ना जो इरोजन इरोडेड मटेरियल यहाँ कलेक्ट हो रहा है वो रूट करेगा वेट पुट करेगा तो वहां पे सब्सिडेंस होगा और इस वाले एरिया में इरोजन हो रहा था तो इसका वेट कम हो रहा थी अपलिफ्ट करेगा जब ऊपर की ओर लिफ्ट करेगा तो ऑब्वियसली इसकी रूट की डेप्थ भी कम होगी ये पूरा पोर्शन ऊपर जा तो यहाँ पे मेंटल इधर क्यों भागेगा। अब चूंकि इसे सब्सिडेंस हो रहा इधर से मेंटल और यहाँ पे अपने मेंटल इधर से मेंटल इधर की ओर फ्लो करेगा वही डेप्थ और इक्वल प्रेशर मेंटेन करने के लिए और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलती रही ठीक है ये और ज्यादा इरोड होगा और ज्यादा अपलिफ्ट होगा इरोडल जहां पे कलेक्ट होगा और ज्यादा सब्सिडेंस होगा मेंटल उस हिसाब से बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है क्लियर है सबको ये डायग्राम को क्लियर है ठीक है रीड कर लेते लेट अस लुक एग्जांपल्स ऑफ आइसोस्टैटिक बैलेंस इन कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेरिक सपोज द टू सेक्शन ऑफ क्रस्ट ऑफ अनइक्वल थिकनेस नेक्स्ट टू ईच अदर यहाँ पे देखिए क्रस्ट की थिकनेस ज्यादा यहाँ पे थिकनेस का है ना यही बात ही बोल रहे हैं कि सपोज टू सेक्शन ऑफ अनइक्वल थिकनेस आर नेक्स्ट टू ईच अदर सेडिमेंट फ्रॉम द हायर पार्ट ऑफ द क्रस्ट सब्जेक्टेड टू मोर रैपिड इरोजन इज डिपॉजिटेड ऑन द लोअर ना यहाँ के एरिया इरोड होकर यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है जो इस वाले डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है द डिजन वेट फ्रॉम हाई पार्ट ऑफ द कॉजेज इट टू यहाँ पे वेट कम हो अपलिफ्ट होने लगा राइज कर रहा है while the increase on the lower part or is wale area mein sabse ho raha it causes part sink this vertical movement isostatic adjustment jiske yahan pe upar uplift ho raha hai pe down ja raha hai this vertical movement do fact take place whenever large volume of material are eroded from
और डिपॉजिटेड ऑन पार्ट्स ऑफ द क्रस्ट, ये टाइमिंग प्रोसेस आइस स्टडी गैटरिंग की होती रहती है। और देखिए इसी का एक उदाहरण यहाँ पे दिया है। ग्लेशियेशन के बाद ग्लेशियर्स रिसीड करते हैं, खत्म हो, मैं ये ग्लेशियर्स हैं तो बहुत वेट पुट करेंगे, वेट पुट करें बाकी क्रस्ट दब जाएगी, है ना। यहाँ पे देखिए ग्लेशियर का फॉर्मेशन हुआ, अभी हुआ है तो क्रस्ट स्ट्रेट है, जब वेट बढ़ता गया तो देखिए क्रस्ट डिफॉर्म हो गई और चली गई, दिखाई दे रही है सबको डायग्राम में, सबको दिखाई दे रहा है ना, क्रस्ट देखिए नीचे और दब गई, सब्सिडेंस हो रहा है ना। अब देखिए बाद में ये मेल्ट कर गई, बाद में ग्लेशियर्स मेल्ट कर गए, लेकिन अभी ये कैसी है देखिए नीचे की ओर, अभी अभी भी नीचे की ओर झुकी हुई है। क्या हुआ, जब ऊपर का वेट खत्म हो गया तो क्या करेगा, ऊपर की ओर लिफ्ट कर जाएगा, इसको बोलते हैं क्रिस्टल रिबाउंड, क्रस्ट ऊपर की ओर वापस आ रहा है, ठीक है। तो क्रिस्टल रिबाउंड एज क्रस्ट स्लोली राइजेस टुवर्ड्स द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो क्रिस्टल रिबाउंड क्या, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट क्या, आइसोस्टेसी क्या है, डायग्रामेटिक ग्राफिकली कैसे भी कुछ पूछने की टेस्ट करें, तो आई होप थोड़ा सा थिंक तो जवाब दे लीजिए, आपको परेशानी नहीं हो, ठीक है। यहाँ रीड आउट कर लेते हैं, शायद कुछ ऐसा हो जो मैंने बताया हो मैंने। Another example, isostatic adjustments caused by ductile mantle, mantle का material तो करता है ना, तो ductile कर रहा है, is the upward movement of the large areas of the crystal lithosphere since the glacial age. Glacial के recede करने के बाद glacial की जमीन अभी भी उठ रही है, ठीक है। The weight of thick continental ice sheets during the Pleistocene epoch depressed the lithosphere underneath the Pleistocene के समय जो ice crust उसने इनको नीचे की ओर, उसको नीचे की ओर दबा दिया था। After the melting of the ice crust rose back upward, a process that is still going on in the northeast Canada, in the Scandinavian race. This rise of crystal lithosphere after the removal of this rise of crystal lithosphere after the removal of ice is crystal rebound. This process of crystal rebound can be easily demonstrated by sitting on sofa. Sofa dab jata aap chahte ho sab sofa upar ki aur uthta hai, so that is an example, na ek example ke taur pe aap usko samajh sakte ho, theek hai। कितनी बात सबको, क्रिस्टल रिबाउंड क्या है, आईसीसी क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, छोटी सी कॉन्सेप्ट थी, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। अच्छा चलिए अब दूसरा देखते हैं, फोल्डिंग फॉल्टिंग, ठीक है। फोल्डिंग क्या होती है, फॉल्टिंग का क्या होती है और कब क्या हुआ है ना। देखिए हम लोग टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक की बात करें तो आप प्लेट्स में कॉन्स्टेंट मूवमेंट होता रहता है, ये बातें मैंने बताई। और हमने बताया कहीं कहीं पे नीचे से लावा ऊपर निकल आता है जहाँ पे रिफ्ट वैली का फॉर्मिंग हो रहा था, और आपने देखा कन्वर्जन बाउंड्री, डाइवर्जन बाउंड्री चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। जहाँ पे कन्वर्जन बाउंड्रीज थी वहाँ प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही है ना, कंप्रेस हो रहा है, जहाँ पे दूर और दूर टेंशन हो रहा है ना, अलग अलग तरह के फोर्सेज जो है जनरेट हो रहे हैं प्लेट्स के ऊपर, रिस्पॉन्सिबल है कुछ अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म फील्ड्स के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ लोग जॉइंट्स, फॉल्स एंड फोल्ड्स की बात करें, मेनली फॉल्स एंड फोल्ड, थोड़ा सा जॉइंट्स भी हैं। इन अपर क्रस्ट डेप्थ ऑफ अबाउट 10 किलोमीटर्स मोस्ट रॉक्स टेंड टू एग्जिबिट ब्रिटल बिहेवियर, नीचे की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह रॉक्स डाइल हो जाती है, टूटती नहीं, मुड़ जाती है, लेकिन ऊपर वाली रॉक्स कोल्ड है ना, लेसर टेम्परेचर में ब्रिटल टूट जाती है, ठीक है। तो इन द अपर क्रस्ट टू डेप्थ ऑफ अबाउट 10 किलोमीटर्स मोस्ट रॉक टेंड्स टू एग्जिबिट ब्रिटल बिहेवियर बाई फ्रैक्चरिंग और फॉल्टिंग, है ना, टूट जाएंगे, जॉइंट्स बन जाएंगे, फॉल्ट्स बन जाएंगे, देखते हैं कैसे होते हैं। टेक्टोनिक फोर्सेस कॉजेस अपवार्पिंग ऑफ द क्रस्ट, मान लिए यहाँ पे क्रस्ट थी, अब नीचे से मान लिए मेंटल प्लूम ने प्रेशर पुट करना शुरू, तो ये धीरे धीरे होने लगी, क्यों बच्चों, जब नीचे से प्रेशर पड़ेगा तो ऊपर की ओर उठने लगेगी थोड़ा थोड़ा, डिपेंड ऑन किस हद तक नीचे से प्रेशर पुट हुआ, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, व्हेन टेक्टोनिक फोर्सेस कॉजेस अपवार्पिंग ऑफ द क्रस्ट रॉक्स नियर द सरफेस स्ट्रेच्ड एंड पुल्ड अप, जब ऊपर की ओर खेलो इसको धक करोगे तो इधर की ओर भी खींचे और इधर भी खींचेगी, इस बात से अग्री कर रहे हो, जब ऊपर पुल इधर भी प्रेशर पड़ेगा इस इधर भी प्रेशर का, ठीक है। व्हेन टेक्टोनिक फोर्सेस कॉजेस अपवार्पिंग क्रस्ट रॉक्स नियर द सरफेस स्ट्रेच्ड एंड पुल्ड अपार्ट फॉर्मिंग फ्रैक्चर्स कॉल्ड जॉइंट्स, अच्छा ऐसे में फ्रैक्चर्स क्रिएट होने लगते हैं जो जॉइंट्स बोलते हैं। फॉल्ट्स ऑन द अदर हैंड आर फ्रैक्चर्स इन अर्थ क्रस्ट वेयर रॉक्स आर रॉक वन साइड ऑफ द फॉल्ट आर डिस्प्लेस्ड रिलेटिव टू रॉक्स ऑन द अदर, अगर सिंपल मतलब फ्रैक्चर्स हुए तो उसको फ्रैक्चर बोले, बट फ्रैक्चर के बाद अगर वो जो सेगमेंट्स है वो डिस्प्लेस हो जाए एक दूसरे के रिलेटिव तो उनको फॉल्ट देंगे, जब तक डिस्प्लेस नहीं हुए उसी जगह पे बस उनमें फ्रैक्चर्स क्रिएट है ना, तो क्रैक्स क्रिएट हो गए तब उसको जॉइंट्स बोले, बट अगर जॉइंट्स क्रिएट होने के बाद तो रिलेटिवली मूव जाए वो पार्ट प्लेट्स को हम फॉल्ट बोलेंगे। फिर फोल्डिंग क्या होगा, समझ में आया जो सर, फॉल्ट्स का डिफरेंस समझ में आ रहा है, ठीक है। फोल्ड्स क्या हो रहा है, फोल्ड्स को भी देख रहे हैं।
Ford's common feature of different sedimentary rocks provide evidence that rocks can bend without break. है ना, जैसे आप push किया, compression किया, compression करने पे अगर rocks बहुत brittle nature की नहीं तो टूट नहीं, तो क्या धीरे धीरे fold create हो जाएंगे, उसको folding बोलते हैं. ठीक है, तो Ford's common feature of deformed sedimentary rock provide evidence that rocks can bend without break. रॉक डिस्प्ले एविडेंस ऑफ डक्टाइल डिफॉर्मेशन, जिनमें ब्रेक की थोड़ी सी डक्टाइल सब उनमें मोड़ सकते हैं उनको, वर जनरेटेड डेप्थ इन हाइट. नॉर्मली ये फिनोमेनन कहाँ पे होगा, डीपर रॉक्स में होगा. तो डीपर रॉक्स डक्टाइल नेचर की होती है और ऊपर वाली रॉक्स ब्रिटल नेचर की होती है. ठीक है, तो डेप्थ इन हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इन्वेंट्स वहाँ पे आपको फोल्डिंग देखते हो, बाद में इरोजन के थ्रू एक्सपोज हो जाते हैं, पता लगे. लेकिन एक्चुअली फोल्ड्स कहाँ पे हो रहे हैं वो उसकी बात अभी कर रहे हैं. जैसे कि अब जैसे हिमालय ने सब फोल्ड माउंटेन बोले, फोल्ड माउंटेन क्यों बोल रहे हैं, है ना, इसीलिए जब यूरेशियन प्लेट आके टकराई, सॉरी इंडियन प्लेट टकराई यूरेशियन प्लेट से, तो बीच के जो सेडिमेंट्री स्ट्रेट थे उन पे जब प्रेशर पुट हुआ डेप्थ पे, तो दे स्टार्टेड फोल्डिंग, है ना, तो वो फोल्डिंग कहलाती है. अब यहाँ पे उस डायग्राम को समझ लेते हैं. देखिए शैलो डेप्थ पे जब हो, शैलो डेप्थ पे होगा तो ब्रिटल होगा, टूट जाएंगे. तो देखिए यहाँ पे टूट के दो पार्ट बने, यहाँ पे भी वही चीज दिखाई गई है. डिपेंडिंग अपॉन कैसा है, अगर कंप्रेशन फोर्स हुआ तो देखिए इस टाइप होगा. At shallow depth, shortening occurs by brittle deformation along fault, where one rock mass is thrust above the. अब इधर से पुट किया तो देखिए वाला सरक के इसको ऊपर चला गया, नीचे है. सर देखिएगा, आप पुट कर रहे हो तो ये जो बाहर की ओर झुका हुआ पार्ट ऊपर की ओर है, ठीक है. और जब कंप्रेशन पुट कर रहे हो तो देखिए ये जो ये वाला पोर्शन बाहर वाले पे आ रहा है, इस पोर्शन ध्यान दीजिए, ये जो इधर की ओर बैंड कर रहा है इस रॉक के ऊपर आ रहा है, आप पुश कर रहे हो, जब पुल कर रहे हो तो ये वाला पोर्शन इधर जा रहा है. में डिफरेंस समझ में आ रहा है जो बात मैं कह रहा हूं, ये जो स्लांटेड एरिया देखिए इधर आउटवर्ड स्लांटेड है और इसमें है ना जिधर की फोर्स पुट कर उधर की ओर है, और ये शेयर की वजह से जब ट्रांसफॉल्ट होते हैं. ठीक है, ये कहां है, शैलो डेप्थ पे, जहां पे ऐसा नॉर्मली ब्रिटल नेचर. ग्रेटर चले जाओ डीप पे क्या होगा, वहां पे हो जाएगी जब आपने प्रेशर पुट किया, प्रेशर पुट कर रहे हो देखो ना, तो क्या यहां ब्रेक नहीं हो रही है रॉक्स, तो देखिए फोल्डिंग क्रिएट हो गई. अभी टाइप जी आगे बताएंगे, सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे. और इसी तरह से जब टेंशन क्रिएट, देखिए यहाँ पे डेप्थ कम है, यहाँ पे डेप्थ ज्यादा है. ठीक है, आपने क्या करा, जैसे रबड़ खींचते हो क्रिएट हो जा रही है, ठीक है, टूट नहीं रही है, इस केस में टूट गई थी. ठीक है, और यहाँ पे भी चूंकि टूटेगा नहीं, शीयर तिरछी हो, डिफॉर्म हो गई रॉक. ये कहाँ पे हो रहा, डीपर एरिया में, ये कहाँ पे हो रहा, शैलो एरिया पे. डायग्राम क्लियर आपको, लगते हैं फोर्स ये प्रेशर की वजह से हो, ये टेंशन की वजह से हो रहा है, शीयर की वजह से हो. अच्छा, ये स्लाइड्स मैंने आपको भेजी है. अर्थ क्रस्ट कैन बी फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, कंप्रेशनल, टेंशनल एंड शीयर स्ट्रेस. कंप्रेशनल स्ट्रेस एसोसिएटेड विद कन्वर्जेंट वन. अब देखिए जहां प्लेट्स एक दूसरी तरफ कन्वर्ज कर रही है, कंप्रेशन होगा. अब कोट करते हुए चलिए, जो आपको कंप्रेशनल स्ट्रेस एसोसिएटेड कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज टू शॉर्टन एंड थिकन, शॉर्टन एंड थिकन आर क्रस्ट बाय फोल्डिंग, टोइंग एंड फॉल्डिंग, वेयर इज टेंशनल स्ट्रेसेस अलोंग डाइवर्ज कर रही थी, वहां टेंशन क्रिएट कर रही है. वेयर इज टेंशनल अलोंग द स्ट्रेसेस अलोंग डाइवर्जन प्लेट बाउंड्रीज टेंड टू लेंथन रॉक बॉडीज बाय डिस्प्लेसमेंट अलोंग फॉल्ट्स इन अपर क्रस्ट एंड बाय डक्टाइल द डेप्थ, डिपेंडिंग ऑन कहां पे हो रहा है. Shearing often associated with transformed plate boundaries tend to produce fault zone in upper crust and ductile flow. Brittle deformation like fracturing and melting, जहाँ पे टूट brittle टूट रहा है जहाँ पे dominates in the upper crust. Temperature कम होता है, temperature and relatively temperature is relatively cool. By contrast, at greater depth, rocks exhibit ductile nature and deform by folding and flowing. पे टूटती नहीं, fold हो जाती है. ये तो उस diagram में सब कुछ clear हो गया था. ठीक है, आगे देखते हैं. फोल्ड रॉक्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म. अब यहाँ पे देखिए जरा डायग्राम पहन दीजिएगा, है ना, ये जैसे वो नीचे से मेंटल प्रूव में पुश करना शुरू किया, अप वार्मिंग हुई तो देखिए ऊपर की ओर फोल्ड क्रिएट हो गए. ठीक है, ये जिस लाइन से दोनों तरफ नीचे की ओर जा रही है इसको हम हिंज लाइन दें, जैसे हिंज लाइन. तो फोल्ड्स आर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल सर्फेस सच एज सेडेंटरी स्ट्रेटा दैट हैव बीन बेंट एज अ रिजल्ट परमानेंट deformation. Each layer is bent around an imaginary axis called a hinge line. इस लाइन के लॉन्ग बेंट हो रखे हैं, इसको हम बोल रहे हैं imaginary, इसको हिंज दिया जो कि imaginary है, और simply hinge. In some fold, the hinge line are horizontal,
However, in some folds, the hinge line inclined angle known as plunge. Maximum जो आपको ये horizontal दिखाई किसी की जगह थोड़ी सी inclined होती है, diagram में दिखाई भी दे जाएगा, ठीक है? तो ये hinge होगी जिसकी unfolding हुई है, एक portion नीचे की तरफ के, एक portion नीचे की, ये limbs आपको दिखाई दे रहे हैं. Asymmetric, symmetric limbs भी हो सकते हैं. Diagram बहुत अच्छे से दिए, उनको ध्यान दीजिएगा. Folds are also described their axial plane, which is a surface that cuts all the hinge lines of the folding strata. जिससे आप जिस hold फोर लाइन हो आपस में पकड़ सकते हो, उसको हम लोग एक्सियल लाइंस बोलते हैं, ठीक है? तो क्या हो रहा है, वाइल द फोल्ड्स आर डिस्क्राइब एक्सियल प्लेन व्हिच इज दिस सरफेस दैट कनेक्ट्स ऑल द हिंज लाइंस ऑफ द फोल्डेड स्ट्रेटा. इन सिंपल फोल्ड्स द एक्सियल प्लेन इज वर्टिकल एंड डिवाइड्स द फोल्ड इनटू टू रफली सिमेट्रिकल लिम्ब. डायग्राम देख लेते ज्यादा समझ में आ जाएगा. इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए, कहां गया, यहाँ पे देखिए, है ना? अब देखिए इस वाले केस में दोनों तरफ लिम्ब बना है, तो इसको हम लोग सिमेट्रिकल फोल्ड बोल रहे हैं, है ना? डायग्राम में आपको दिखाई दे, जितना जिधर गया वैसे इधर उठा हुआ है. इस वाले की ये पोर्शन ज्यादा और यहाँ पे, है ना, ये कम है, तो ये इस सिमेट्रिक फोल्ड हो गया. और इस वाले में देखिए, ये वाला लिम्ब इस वाले लिम्ब के ऊपर चढ़ गया, ये देखिए ये इसके ऊपर आ गया है, इसको बोलते हैं ओवरटर्न फोल्ड, ठीक है? इस वाले में देखिए ये पोर्शन इसके ऊपर आने लगा है, एसिमेट्रिक, यहाँ पे एग्जैक्टली जितना इधर है उधर इतना उतना इधर है. डायग्राम में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए व्हाइट लाइन से देखिए दिखाया गया, इस लाइन के अलोंग बराबर उतर रहा है. इस वाले के देखिए इधर की ओर ज्यादा करने लगा, इस वाले बिल्कुल पलट गया है. इस डाइंग पे देखिए अभी एक्सियल लिखी यहाँ पे स्ट्रेट, इस वाले के केस में थोड़ी सी इंक्लाइंड, इसमें और ज्यादा इंक्लाइंड हो गई है ओवरटर्न फोल्ड में. डायग्राम और अनुष्का और क्लास में गया, बाकी लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्तुति बाकी सब क्या बोलते जाओ भाई, काहे आलस करते हो? ठीक है, तो वो बात कह रहे हैं कि फोल्ड्स आर आल्सो डिस्क्राइब बाय डियल प्लेन व्हिच इज सरफेस दैट कनेक्ट्स द हिंज लाइन ऑफ फोल्डेड स्ट्रेटा. इन सिंपल फोल्ड एक्सियल इज वर्टिकल एंड डिवाइड्स फोल्ड इन रफली सिमेट्रिकल. अभी आपने डायग्राम में दिया. However, the axial plane often lean on one side, so one limb is steeper and shorter than the other. आपने asymmetric fold के केस में देखा, और उसका extreme case क्या हो सकता है? Overturned fold. In extreme cases, axial plane can be tilted so that it has a horizontal orientation. इतना ज़्यादा हो गया, almost horizontal हो गई. तो example हो गया, आपका overturn का और further उसका होता है इसका recumbent fold, जो यहाँ diagram में दिखा दे रहा है. इस लिम्ब जस्ट ऊपर आ गया, ये वाला लिम्ब, इसको बोलते हैं रिकमेंड फोल्ड. एक लिम्ब के जस्ट ऊपर आ गया, जो आपको इस वाले डायग्राम में भी दिखाई दे रहा था. देखिए भाई, इस डायग्राम में देखिए ना, इस लिम्ब के ऊपर लिम्ब आ गया है, अगर आप देखिए जस्ट एक दूसरे के ऊपर चढ़े, इसको बोलते हैं रिकमेंड फोल्ड. चलिए आगे देख, व्हाट इज एंटी क्लाइन इनक्लाइन. सिमेट फोल्ड में है ना बराबर इधर की ओर है, तो उसको बोलेंगे, देखिए the two most common types of folds are anticlines and synclines. Anticlines usually arise from folding or arching of sedimentary layers and are sometimes spectacular displays along the highway. agar aap hari area pe jao to kahega aapko dekhne ko mil jate hain, that have been cut through deformed strata. typically found in association anticlines are downfold or troughs called synclines. agar diagram zyada samajh mein aa jayega, dekhiye ye anticlines is line ke dono taraf niche ja rahe, ye syncline, ठीक है? इनकी ओर आ रहा है, इधर से इधर से वैसे भी नीचे आ रहा है, इसको बोलेंगे सिंक्लाइन. इस वाले में इधर 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 जा रहा, इसको बोलेंगे डिक्लाइन. दोनों अपोजिट डायरेक्शंस, ये सिंक्लाइन से ये एंटीक्लाइन. फिर से देखिए, एंटीक्लाइंस यूजुअली अराइज अ फोल्डिंग और आर्चिंग ऑफ सेडिमेंट लेयर एंड आर सम स्पेक्टेकुलर डिस्प्लेड अलोंग द हाईवेज. टिपिकली फाउंड इन एसोसिएशन एंटीक्लाइंस आर डाउनफोल्ड और ट्रॉल सिंक्लाइंस. लिंब ऑफ एंटीक्लाइन इज आल्सो अ लिंब ऑफ द एडजेसेंट सिंक्लाइन. ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन देयर ओरिएंटेशन दीस बेस फोल्ड्स आर डिस्क्राइब्ड सिमेट्रिकल when the limbs are mirror image of each other, asymmetrical when they are not. An asymmetrical fold is said to be overturned one or both the limbs are tilted beyond the vertical. hai na, tilt ho gaye to usko hum log kya bol rahe hain, overturn bol rahe hain. An overturn fold can also lie on one side, usko par ek upar ek gaya, hai na, so that axial is horizontal. These recumbent folds are common in highly deformed mountainous regions such as Alps. theek hai, jab ek limb dusre upar hai usko hum log recumbent fold bolte hain. overturned ka extreme part hai recumbent. vertical asymmetrical
फिर ओवरटर्न उसका हाईएस्ट पॉइंट हो गया आपका रिकमेंड फोल्ड। ठीक, एंटीक्लाइन क्या है, सिनाइन क्या है, डायग्राम बना के पूछ लें, जरा ध्यान रखना आता है इस टाइप से आपके यहाँ। बट टीचर मैं सोच सकता हूँ कि कैसे क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हैं। वो तो हो गई फोल्डिंग। फोल्डिंग क्लियर है सबको बच्चों, जितना आपने बताया क्लियर है। ठीक है, अब फॉल्टिंग की बात में, फॉल्ट्स क्या होता है, फॉल्ट्स में आपने देखा था ब्रेक कर जाते हैं, फोल्डिंग में टाइल एरिया में हो रहा था, ब्रेक नहीं कर रहे थे। फॉर ब्रिटल डिफॉर्मेशंस लीड टू फ्रैक्चरिंग एंड डिस्प्ले, केवल फ्रैक्चर होगा जॉइंट्स और डिस्प्लेसमेंट तो फॉल्ट्स, फ्रैक्चरिंग एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, सडन मूवमेंट अलोंग फॉल्ट्स आर द कॉज ऑफ मोस्ट अर्थ, अर्थ को किसी फॉल्ट लाइन के अलग अक्रॉस होते हैं जब किसी मतलब किसी फ्रिक्शन की से रॉक्स मूव, जब सडन मूवमेंट हो जाए तो उससे अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। हाउएवर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फॉल्ट्स आर रेमनेंट ऑफ पास्ट डिफॉर्मेशंस एंड इनएक्टिव, मैक्सिमम इनएक्टिव होते बट सम ऑफ देम कैन बी एक्टिव। फॉल्ट्स इन व्हिच मूवमेंट इज प्राइमरली पैरेलल टू इंक्लिनेशन, ध्यान दीजिएगा, फॉल्ट्स इन व्हिच मूवमेंट इज प्राइमरली पैरेलल टू द इंक्लिनेशन आल्सो कॉल्ड डिप स्लिप। अब देखिए इस इंक्लिनेशन के अलोंग अगर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, जैसे डिप डिप उसके अलोंग हो रहा है ऑफ द फॉल्ट सरफेस आर कॉल्ड डिप स्लिप फॉल्ट, है ना। देखिए जब यहाँ फॉल्ट जनरेट हुआ ये वाला पोर्शन है, देखिए इमेजिन करिए ये पोर्शन, देखिए इस ये कब कंटेम्प्रेरी यहाँ पे है, ये नीचे की ओर चला गया, तो इस नीचे की ओर जो उसको बोलते हैं फुट वॉल ब्लॉक, और ऊपर की ओर उसको हैंगिंग वॉल ब्लॉक। इस फॉल्ट दिखाई दे रही है आपको, इसके अलोंग थिंग हुई है, ये पोर्शन नीचे चला गया और पोर्शन ऊपर आ गया। ठीक है, तो फॉल्ट्स इन विच मूवमेंट इज प्राइमरी पैरेलल टू द इंक्लिनेशन सो कॉल्ड डिप ऑफ द फॉल्ट सरफेस आर कॉल्ड डिप स्लिप फॉल्ट। जियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई द सरफेस इमीडिएटली अबव द जो फॉल्ट के अबव है जो एरिया उसको क्या बोलते हैं हैंगिंग वॉल, ये वाला फॉल्ट के ऊपर जिसे उसको फुट वॉल ब्लॉक। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अलोंग डिप स्लिप फॉल्ट टेंड टू प्रोड्यूस लॉन्ग लो क्लिफ्स कॉल्ड स्कार्प्स एरियाज में, जैसे अब यह पोर्शन जब नीचे गया, अब ये पोर्शन इसके कंपैरिजन नहीं, तो जस्ट इमेजिन कर का पोर्शन से कैसे करूं, ये दो कहां पे वैसे आएगा। ठीक है, तो एक पोर्शन नीचे चला गया, है ना, तो ये जो इतना पोर्शन ये बन गया एक स्कार्प टाइप का वो क्रिएट हो गया। ठीक है, डिप स्लिप फॉल्ट जहां फॉल्ट के अक्रॉस मूव हुआ है। अब जरा इस डायग्राम पे फॉल्ट कई तरीके हो सकते हैं, डायग्राम पे देखिए टेंशनल फोर्स की वजह से ये आपके नॉर्मल फॉल्ट है उसी लाइन के अक्रॉस जहाँ पे मूवमेंट हुआ। ये देखिए कंप्रेशनल फोर्स, कंप्रेशन फोर्स का तो देखिए एक दूसरे की तरफ मूव जब जनरेट कर रहा है तो इसकी वजह से कैसे कैसे फॉल्ट जन रिवर्स फॉल्ट, है ना, इसके जस्ट अपोजिट हो जा रहा है। ठीक है, और एक और हो गया जिसको थर्स्ट फॉल्ट बोलते हैं, रीड आउट करते हैं फिर से कंपेयर में। डिप स्लिप फॉल्ट आर क्लासिफाइड एज नॉर्मल फॉल्ट व्हेन द हैंगिंग वॉल मूव्स डाउन टू फुटबॉल ब्लॉक, हैंगिंग वाला जो ऊपर था अगर वो फुटबॉल के नीचे चला जाए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल। आप जरा फिर से डायग्राम ध्यान दीजिए, देखिए सिर्फ जो फॉल्ट लाइन थी उसके ऊपर वाले को हैंगिंग बोला था, नीचे वाले को फुटबॉल ब्लॉक, पहले दिमाग में बैठा दिए। अगर ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, आइए फिर यहां डायग्राम पे ध्यान दीजिए, ठीक है, हैंगिंग वाला जो कायदे उसके ऊपर वो नीचे जब चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं नॉर्मल। समझ में आ रहा सबको, नॉर्मली ये ऊपर था बट अगर ये नीचे चला गया तो बोलेंगे नॉर्मल फॉल्ट। ठीक है, डायग्राम से कनेक्ट करते हुए चलिए, देखिए फिर से देखिए, डिप फॉल्ट आर क्लासिफाइड एज नॉर्मल फॉल्ट व्हेन द हैंगिंग वॉल ब्लॉक मूव्स डाउन रिलेटिव टू फुटबॉल ब्लॉक। नॉर्मल फॉल्ट्स टेंड टू बी एसोसिएटेड विद टेंशनल स्ट्रेसेस, बहुत अच्छे हैं, that will rock units apart thereby lengthening the crust, this pulling apart can be accomplished either by uplifting that causes the surface to stretch and break or by horizontal forces that have opposing orientation. In the United States normal faults are associated with structures called fault block mountain, is a mountain wahan pe dekhne ko milte jo maximum aapko basin ridge provinces mein dekhne ko milte, usme kya aur structure kya banti un pe dhyan de. Topography of basin ridge province evolved in association with a system of normal fault tending northward. Movement along these faults produces alternate uplifted fault block called horst, जो ऊपर की ओर ये uplift हुआ उसको क्या बोलने horst बोल, और जो area नीचे की ओर हवा उसको बोलने graben, ditch की graben word use किया जाता है। आइए जरा सा diagram पे ध्यान दीजिए, ये diagram देखिए, ये ऊपर वाला area horst बोलने जो area नीचे की ओर दबा उसको graben बोल रहे हैं,
डायग्राम सबको दिखाई दे रहा है टैंक की वजह से, ठीक है। होस्ट फॉर्म द रेंज एंड आर द सोर्सेज सेडिमेंट्स, रेंज एरिया, यहां से इरोजन होकर मेट पे कलेक्ट होगा, तो द सोर्स ऑफ द सेडिमेंट्स दैट हैव एक्युमुलेटेड इन द बेसिंस क्रिएटेड बाय द ग्रेवन एज पर बिलो इलस्ट्रेट स्ट्रक्चर कॉल्ड हाफ ग्रेवन व्हिच आर टिल्टेड फुट ब्लॉक। ये देखिए ना, एक साइड में जो टिल्ट हो रहे हैं, ये देखिए ऐसे करके जो टिल्टेड फॉल्ट का, उनको क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज हाफ ग्रेवन। ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑल्टरनेट टोपोग्राफिक हाई लोज इन बेसिंस एंड रिच प्रोविंसेस। जो हाई और लो यहाँ से, तो जो रेजेस हैं बेसिकली हॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो वैलीज हैं वो ग्रेवन को शो कर रहे हैं। वो तो नॉर्मल फॉल्ट, व्हाट इज रिवर थर्स्ट फॉल्ट, डिप स्लिप फॉल्ट इन विच हैंगिंग वॉल ब्लॉक अप रिव्ड फुटबॉल ब्लॉक आर कॉल्ड रिवर्स फॉल्ट। जस्ट उसका कर देंगे, थर्स्ट फॉल्ट आर ए टाइप ऑफ रिवर्स फॉल्ट हैविंग डिप्स लेस देन 40 डिग्री, सो द ओवरलाइन ब्लॉक्स मूव नीली हॉरिजॉन्टल द अंडरलाइन ब्लॉक। रिवर्स फॉल्ट रिजल्ट फ्रॉम कंप्रेशनल स्ट्रेस प्रोड्यूस हॉरिजॉन्टल शॉर्टिंग, कंप्रेशन की वजह से हॉरिजॉन्टल शॉर्टिंग ऑफ दस्ट क्रिएट हो रही है, ठीक है। रिवर्स और थर्स्ट में डिफरेंस क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा। थर्स्ट फॉल्ट रिवर्स फॉल्ट में कि जो नॉर्मल फॉल्ट का जस्ट अप मूवमेंट हो रहा है, और इसमें हैंगिंग वॉल ब्लॉक जो वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई रिलेटेड टू द फुटबॉल ब्लॉक, तो उसको हम बोले रिवर्स फॉल्ट। थर्स्ट फॉल्ट में क्या होगा, ज्यादा मूवमेंट हो, तो थर्स्ट फॉल्ट अ टाइप ऑफ रिवर्स फॉल्ट हैविंग डिप्स लेस देन 45 डिग्री, सो द ओवरलाइन ब्लॉक्स नियरली हॉरिजॉन्टल ओवर द अंडरलाइन ब्लॉक, तो उस केस में उसको रिवर्स बोलेंगे। मोस्ट हाईंग रिवर्स फॉल्ट आर स्मॉल एंड एक्यूमुलेटेड लोकल डिस्प्लेसमेंट रीजंस। थर्स्ट फॉल्ट मोस्ट प्रोनाउंस अलोंग कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज, जहाँ पे प्लेट्स एक दूसरे की ओर कन्वर्ज, वहाँ पे आपको इस टाइप के फॉल्ट देखने को, प्रेशर ज्यादा पुट होगा जिसकी वजह से है ना एक ऊपर ज्यादा सरक गया या एक के ऊपर एक आने की कोशिश करते हैं। कंप्रेशनल फोर्सेज एसोसिएटेड विद कोलिंग प्लेट्स जनरली क्रिएट फोल्ड्स एज वेल, फोल्ड्स भी क्रिएट करते हैं अगर आपकी रॉ मटीरियल डाइल और ब्रिटल है, थर्स्ट फॉल्ट देखने को मिलेंगे। दैट एंड शॉर्ट एंड जरा डायग्राम फिर से देख लीजिए रिवर्स एंड थर्स्ट फॉल्ट के। अरे भाई इस डायग्राम पे ध्यान देखिए, इस वाले केस था आपका फुटबॉल ब्लॉक था है ना, वो ऊपर और हैंगिंग नीचे, इस वाले के हम जस्ट अपोजिट हो गया, हैंगिंग जो वैसे तो रहते ही लेकिन फट पर चला गया, ठीक है, और इस वजह से वो कंपल फोर्स के, ये किसकी टेंशन के, ठीक है। और इसमें देखिए थर्स्ट फॉल में क्या हो रहा है, एक्सेसिव मूवमेंट हो रहा है जैसे, और स्लाइंग हो गई है। इसके कंपेरिजन देखिए, ये एंगल देखिए और ये एंगल देखिए, ठीक है, तो ये कहलाता है कंप्रेशनल स्ट्रेस की वजह से इस टाइप को क्या बोल, थर्स्ट फॉल्ट, ये रिवर्स फॉल्ट था। किस एंगल हो रहा है वो इंपॉर्टेंट जा रहा है, इसी पे आपके क्वेश्चन भी आया हुआ है, वन ऑफ द ऑप्शन इज, ये वर्ड उन्होंने यूज किया है, दिखा रहा हूँ मैं अभी क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ये लिखा है कि थर्स्ट फॉल्ट एट रिवर्स फॉल्ट है डिप्स लेस देन 45 डिग्री, सो द ओवरलाइन ब्लॉक मूव्स रियली हॉरिजॉन्टल, नियरली हॉरिजॉन्टल, और अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो बोलेंगे तो ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट बोलते हैं, अभी आ जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा गया, स्ट्राइक फॉल्ट भी उसको बोलेंगे, अभी देखते हैं, ठीक है। कंप्रेशनल स्ट्रेस की वजह से वही चीज, कैटराइज किया है कौन सा पोर्शन स्लिप फॉल्ट के ऊपर, जब स्लिप फॉल्ट, जब डिप स्लिप फॉल्ट क्रिएट हुआ तो जो ऊपर वाला है वो हैंगिंग कहलाता है, नीचे वाला फुटबॉल कहलाता, फरत ये मैंने शुरू में इसी पहले वाले डायग्राम दिखाया था, देखो फर्क, ये देखिए ये फॉल्ट लाइन है, ये ब्लैक से जो दिखाई गई है, इस लाइन के ऊपर पोर्शन ये है कि उसको हैंग बोला गया, के नीचे वाला ये इसको फुटबॉल, इसके बेसिस पे नेमिंग करी गई, क्लियर है फरत बेटा, अभी क्लियर, ठीक है। अब देखिए स्ट्राइक फॉल्ट, इसमें क्या देखिए, एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ये लाइट वाली रॉक देखिए और इसकी इसकी रॉक देखिए इसके कहां पे आ गई है, तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो गया है, हाँ तो 45 डिग्री के आसपास बोल रहे हैं या उससे कम, ये देखिए देखा है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ये आप एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अ फॉल्ट इन विच डोमिनेंट डिस्प्लेसमेंट इज, उसमें नियर हॉरिजॉन्टल था, ठीक है, रिवर्स में नियर हॉरिजॉन्टल, थर्स्ट में सॉरी फॉल में नियरली हॉरिजॉन्टल, तो यहां एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो रहा है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द फॉल्ट सरफेस इज कॉल्ड स्ट्राइक सेफ फॉल्ट।
तो डिफरेंशिएट कर सभी तरह नॉर्मल फॉल्ट रिवर्स फॉल्ट थर्स फॉल्ट स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट क्लियर है सबको हाँ हाँ डायग्राम खोलो बच्चे अभी डायग्राम से करता हूं मल वाले में हैंगिंग वाले चला गया है अभी दिखा रहे हैं हम आप देखो क्या है कहाँ गया भाई ज्यादा तेजी से चेंज हो जाता है कौन सा फोर्स जनरेट हो रहा है पहले देखो नॉर्मल क्या हो रहा है ध्यान हैंगिंग वॉल ब्लॉक मूव्स डाउन रिलेटिव टू नॉर्मल क्या होता है हैंगिंग वॉल पर होता है बट नॉर्मल के केस में वो क्या चला नीचे चला गया क्या बोल रहा है ध्यान से देखो फरहत ध्यान बेटा नॉर्मल फॉल्ट व्हेन द हैंगिंग वॉल ब्लॉक मूव्स डाउन रिलेटिव टू फुटबॉल नॉर्मल केस में हैंग वाला ऊपर था फुटबॉल नीचे था लेकिन नॉर्मल के केस में ये नीचे चला गया तो हम बोले नॉर्मल फॉल्ट अपोजिट जैसे है तो बोलेंगे रिवर्स फॉल्ट और वो एंगल नियरली हॉरिजॉन्टल है तो थर्ड और एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है तो आपका स्ट्राइक से फॉल्ट अभी क्लियर है अच्छा डायग्राम से ज्यादा समय आएगा ठीक है स्ट्राइक से फॉल्ट क्लियर है सबको है ना जानबूझ के कलर डायग्राम इसलिए रखे हुए आप लोग समझ पाए एक बार दिमाग में बैठ जाए फिर एग्जाम में प्रॉब्लम होगी Although sudden displacement along any fault can produce an earthquake, some of the most destructive earthquake occur along the strike slip fault. Example diya jisme lagne logon ki death hui. Some strike slip faults rise through the earth crust and accumulated motion between two tectonic plates. These major strike slip faults are called transformed. Ab just imagine ki transfer fault mein kya hota tha yani horizontal movement tha. Do plate ek dusre ko slide blast karti thi. Yaad hai? Boundaries jahan maine batayi thi. तो जहां पे एक दूसरे के स्लाइड प्लास कर रही है वहां पे ट्रांसफर फॉल्ट रेट हो रहे थे उसको ना ट्रांसफर फॉल्ट दिया था कर्जेंट डाइवर्जेंट ट्रांसफर फॉल्ट तीन तरह की पढ़ाई ये उसी की बात है ट्रांसफर फॉल्ट वहीं पे रेट होते हैं ठीक है उसके अलावा थोड़ा सा जॉइंट भी देख लेंगे अच्छा एक और ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट क्या हो रहा है इसको भी जरा देख लीजिए फॉल्ट एग्जिबिट बोथ डिप स्लिप एंड स्लिप ठीक है इसके अलोंग जा रहे हैं और स्लिप पास्ट भी कर रहे हैं ये वाला मूवमेंट भी हो रहा है और ये वाला मूवमेंट भी हो रहा है तो उसको कहेंगे ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट डायग्राम समझ में आ रहा है आपको अंतर समझ में कैसी उससे डिफरेंट है ठीक है कोई फॉल्ट दोनों इन्वॉल्व होते ही है थोड़ा बहुत तो शियर होते ही है थोड़ा बहुत ऑब्लिक वाला हमेशा इन्वॉल्व होता है ठीक है कि नियर ऑल फॉल्ट्स है माइनर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिप स्लिप एंड स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट Defining a fault oblique requires that both types of slip be significant enough to be observed. जब दोनों मूवमेंट आपको इनर दिखाई दें तब हम उसको ऑब्लिक मानेंगे क्योंकि नॉर्मली ये सब तरह में दिखाई देता है बट स्पेसिफिकली वर्ड हम यूज करेंगे हमारे पास अच्छी खासी एविडेंस है कि दोनों के मूवमेंट्स हुए भी गया और पास भी किया है joints, joints fractures हुए displaced नहीं हुए Among the most common rock structures are fractures called joints. Unlike fault, joints are fractures along which no appreciable displacement has occurred. It's an important property. The fractures, yeah, joints. When the movement is not joints, we say movement. Okay, then we call them faults. Although some joints have a random orientation, most occur roughly parallel groups. Most joints are produced when rocks in the outer crust are different, causing the rock to fall brittle nature. वही ना up warping करोगे, है ना या नीचे से mantle push कर रहा है तो शुरुआत में जॉइंट्स क्रिएट होंगे उससे ज्यादा होता गया तो फिर वो ब्रेक कर जाए फिटिंग हो जाएगी तो मोस्ट जॉइंट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन रॉक इन आउटर मोस्ट क्रस्ट आर डिफॉर्म कॉजिंग द रॉक्स टू फेल बाय ब्रिटल फ्रैक्चर एक्सटेंसिव जॉइंट पैटर्न ऑफन इन रिस्पॉन्स रिलेटिवली सटल एंड ऑफन बेयरली परसेप्टिबल रीजन वार्मिंग एंड डाउनिंग ऑफ द क्रस्ट जहां पे भी इस टाइप के मूवमेंट वहां जहां बहुत हल्का सा हो रहा है वहां पे जॉइंट्स दिखाई देते हैं मेनी रॉक्स आर ब्रोकन टू और इवन थ्री सेट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग जॉइंट्स That slice the rock into numerous regularly shaped blocks. These joints set often exert a strong influence on the other geologic process. For example, chemical weathering tends to be considered along joints क्योंकि उसके पानी भीतर सीप जाएगा वहाँ पे मौका मिलता है ना. And joint and influence groundwater moves the crust.
ज्वाइंटिंग होंगे वो एक्विफर में भी इंपॉर्टेंट थी अगर आपको याद हो। जॉइंट्स में ऑल्सो भी सिग्निफिकेंट फ्रॉम इकोनॉमिक स्टैंड सम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल डिपॉजिट्स आर लोकेटेड अलॉन्ग जॉइंट सिस्टम। हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन मिनरलाइज फ्लूड्स कैन माइग्रेट इनटू फ्रैक होस्ट रॉक्स एंड प्रेसिपिटेट टेक्निकली सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सिल्वर गोल्ड जॉइंट लेड एंड एनियम। हाईली जॉइंटेड रॉक्स एडवांटेजेस भी नुकसान भी हैं। हाईली जॉइंटेड रॉक्स प्रेजेंट अ रिस्क टू कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग ब्रिजेस हाइज एंड नहीं वहां पे भी होगा वहां पे समीक्षा वहां पे भी होगा वो तो हर हो रहा है बट यहाँ पे जैसे एक बंद पूरी इंटैक्ट रॉक के कंपैरिजन फ्रैक्चर्स विल गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर बिंग टू स्टार्ट बस फोल्डिंग फॉल्टिंग और हाईली भी होगा मतलब हर तरह की वेदरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ये आपका कंप्लीट हो गया फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। अब मैं रॉक्स आज स्टार्ट नहीं पाऊँ अच्छा चूंकि नए पीएफसी मैंने दिए इनको पढ़ लेना मैं क्लास यहीं पर रोकूँ। ठीक है अभी जो पढ़ाया क्लियर है सबको बच्चों समझ में आया कुछ अच्छा यूनिट 4 क्वेश्चन जरा ढूंढिएगा आईसीसी के और इसके फोल्डिंग फॉल्टिंग के अभी रिसेंट ईयर्स में आए हैं क्वेश्चंस सॉल्व करके देखिए।